हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर सुबह 8 बजे, जनरल साइंस सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक शाम 5 बजे, रेलवे की रीजनिंग शाम 6 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूँ आरआरबी ग्रुप डी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए स्पेशल जनरल साइंस के लाइव सेशंस लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह 9 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे सोमवार से शुक्रवार ये हमारी जनरल साइंस की क्लास होती है, जो इंडिया में जितने भी साइंस के एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी सामान्य विज्ञान पूछी जाती है, चाहे वो यूनिफॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो सिविल से, चाहे रेलवे, चाहे रोडवे, किसी से हो या शिप से हो, उसमें जिसमें भी जनरल साइंस आती है उसमें हम लोगों का कुछ ना कुछ योगदान रहेगा इस क्लास का। तो मेरी सभी से गुजारिश रहेगी कि इस क्लास को मतलब ऐसे ही एम ही ना लिया करें। क्लियर है? तो हम लोग केमिस्ट्री, कल हमने बेसिक केमिस्ट्री कुछ शुरू की थी। कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले कभी केमिस्ट्री बचपन में पढ़ी थी तो उन्हें तो समझ में आ गई होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी थी कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब पूरा केमिस्ट्री का सेशन एंड होगा तो आप लोगों को भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, उसके बाद में एटम की कुछ बातें करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? कुछ इमेज भी मैं आज आपको दिखाऊंगा, इमेज के साथ आज थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक चीज ध्यान रखो, कल मैंने क्या बताया कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हमने एक नाम दिया मैटर। क्या नाम दिया बच्चा? मैटर नाम दिया, हिंदी में उसे बोल दिया पदार्थ। हमने कहा जितने भी पदार्थ होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। सबसे छोटी चीज क्या होती है? एटम होती है। एटम मतलब परमाणु। अगर मेरे हाथ में ये पेन है, मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसका मतलब ये भी अरबों खरबों परमाणुओं से मिलकर बना है। ये कागज है, ये भी बहुत सारे एटम या परमाणुओं से मिलकर बना है। फिर मैंने कहा कि ये जो एटम के बेसिस पर एटम कैसे है, किस तरह से मिला हुआ है, इसके बेसिस पे हमने मैटर को 3-4 टाइप में बांटा था। एक हमने कहा था कि अगर फिजिकल के तौर पे देखें तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस कह दिया था, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम उसको केमिकल के पर्पस से देखते, रासायनिक उसके गुण देखते, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, रासायनिक विशेषताएं कैसी हैं, कैसे वो पानी से घुलता है नहीं घुलता है, इन सब के बेसिस पे जब हमने बांटा तो हमें दो चीजें मिली। एक मिला था हमें इम्प्योर, इम्प्योर को हमने कर दिया मिक्सचर, कि जिसमें मतलब एक से अधिक तरीके के एटम पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा हमने कहा एक प्योर होता है, और ये प्योर भी दो तरह का होता है। एक हमने एलिमेंट कहा जिसे हिंदी में तत्व, एक हमने कंपाउंड कहा जिसे हिंदी में यौगिक। अब थोड़ी सी बात समझिएगा, हमने क्या कहा कि एलिमेंट ऐसी चीजें होती हैं जिनमें सिर्फ एक तरह के, सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, सिर्फ एक तरह के एटम होते हैं या एक तरीके के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। कहने का मतलब, जैसे अगर मैंने कहा ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन होगी इसमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु होंगे और किसी के परमाणु एटम नहीं होंगे। इन सारे के सारे एटम की जो खासियत होगी, जो प्रॉपर्टीज होंगी ऑक्सीजन की, वो समान होंगी, सेम होंगी। चाहे मैं कार्बन के एटम की बात करूं तो भी सेम सेम होगा। फिर मैंने कहा कि जो कंपाउंड होते हैं ये मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा एटम, हो सकता है दो, हो सकते हैं तीन, हो सकते हैं चार। जब एक से ज्यादा तरीके के एटम, मतलब अब एक से ज्यादा क्या होगा, मान लो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, जब इस तरीके के एटम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे वाटर, जैसे पानी, या कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैंने क्या कहा कि जब कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन के भी एटम, हाइड्रोजन के एटम, एक से ज्यादा तरीके के परमाणु मिलके क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। अब एक बात आई थी मॉलिक्यूल, कि ये मॉलिक्यूल नाम की चीज क्या होती है। तो कल मैंने बताया था कि एटम के ऊपर है, एटम क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, कुछ स्वतंत्र भी रह सकते हैं, सम आर इंडिपेंडेंट, कुछ स्वतंत्र होते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन स्वतंत्र है, ये अपने आप में पाया जाता है, जैसे नियोन,
ये स्वतंत्र है, जैसे हीलियम ये स्वतंत्र है। हम बोले अच्छा यार ये तो स्वतंत्र हो जाती है, लेकिन कहीं हमने देखा है O2? क्योंकि अगर हम इकलौती ऑक्सीजन को लेंगे, अगर हमें इकलौती ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन का एक एटम, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। हम बात तो करते हैं ऑक्सीजन की, लेकिन वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या करता है, उसे हमेशा जोड़े में रहना पसंद है। वो एक और ऑक्सीजन को अपने पास बना लेता है, एक एटम दूसरा एटम दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, डाई एटॉमिक ऑक्सीजन। कितने एटम हो गए यहां पे ऑक्सीजन के, दो, एक और एक ने मिलके क्या बना दिया, दो, और इसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीजन गैस। याद रखना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस में अंतर है। जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो हम सिंगल की बात करेंगे, एक एटम की, एक परमाणु की। जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे तो हमारे पास कितने एटम हो चुके होंगे, दो एटम, क्योंकि ये अपने आप को एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। अगर एक होता है, कहने का मेरा मतलब है कि एलिमेंट का सबसे छोटा रूप, एलिमेंट का तत्व का जो सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, वो क्या होती है, एटम या परमाणु। अब परमाणु केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। अब ये हो सकता है कि वो हो सकता है स्वतंत्र हो, जैसे कार्बन, नियोन, हीलियम, हो सकता है वो स्वतंत्र ना हो, जैसे ऑक्सीजन। इसी तरह नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन भी अकेली नहीं मिलती, वो भी क्या करता है, दूसरी नाइट्रोजन को मिला के वो भी क्या हो जाती है, डाइएटॉमिक बन जाती है। इसी तरह जो सल्फर होती है उसमें तो आठ आठ तक पाए जाते हैं, मतलब आठ सल्फर आपस में एक साथ मिलती है तब एग्जिस्ट कर पाती है। इसी तरह अगर उसकी बात करें फॉस्फोरस, उसमें चार चार पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि एलिमेंट का सबसे छोटा रूप एटम होता है, लेकिन हो सकता है कि एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे, हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे। यहां तक समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे मॉलिक्यूल की। अब क्या हुआ कि यहां पे एटम तो खत्म हो गया, यहां पे बन गया हमारा कंपाउंड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब कंपाउंड बनने पे क्या हुआ, अब कंपाउंड का समझना यौगिक, कि एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, इस तरीके से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब मान लो मैं इन दोनों को अलग अलग कर देता हूं, कार्बन को अलग कर देता हूं, ऑक्सीजन को अलग कर देता हूं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं साथियों एलिमेंट। लेकिन अगर मैं इनको मिला रहा हूं तो इनका एक रूप बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज सोचो, अब अगर ये कंपाउंड है और मैं इनको अलग कर दे रहा हूं तो इसका मतलब कोई चीज है ही नहीं। तो अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो किस रूप में चाहिए, इसी रूप में, मतलब इसको मैं क्या कह दूंगा, मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड का सबसे छोटा, कंपाउंड का सबसे छोटा रूप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। यौगिक का सबसे छोटा रूप, और मॉलिक्यूल में क्या शामिल होते हैं, मोर देन वन एटम। इतना याद रखना, मॉलिक्यूल में क्या शामिल होते हैं, एक से ज्यादा एटम, मोर देन वन एटम। हो सकता है वो अलग अलग एलिमेंट के हो सकता है वो सेम एलिमेंट के हो, क्योंकि यहां पे O2 जो है इसको भी वन मॉलिक्यूल माना जाएगा। अब पूछोगे क्यों माना जाएगा, क्योंकि मैंने इसको बोलेंगे हिंदी में अणु, एक अणु माना जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया जिसमें भी एक से ज्यादा परमाणु हो, मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा। अगर एक है आप एटम बोल दो, मैं कुछ नहीं कह रहा, एक से ज्यादा है, जैसे यहां पे दो है, यहां पर दो है, यहां पर चार है, तो आप उसे क्या कहोगे, मॉलिक्यूल कहोगे। क्लियर है, जैसे अब मैं लिखूं 2O2 तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन गैस के दो मॉलिक्यूल। 3O2 तो आप क्या कहोगे, ऑक्सीजन गैस के, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन का एक हो गया, और इसके आगे कितने, तीन, तो थ्री मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर मैं यहां पे वन लगा दूं तो वन कार्बन डाइऑक्साइड, फोर लगा लूं तो फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब निकालते हैं इनका वजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने कल आपको क्या बताया था कि भाई जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो जितने भी एटम या एलिमेंट शामिल हो उन सबका एक में जितने, मतलब एक का जितना मास हो उसकी मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास कह लो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया है। तो हमें क्या निकालना है, अणु भार, अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान। तो समझो
आपने कल मैंने बताया था कि 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर इनके याद करने हैं। तो जब आप कार्बन का मास नंबर देखोगे तो लगभग कितना आएगा, 12 है। हालांकि 12.00 है, आप उतना ना डीप में जाके 12 लिख लो। कार्बन का कितना हो जाता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो देखो यहां पे कार्बन कितना है, कार्बन के नीचे देखो यहां पे कुछ भी नहीं है, 1 मान लेते हैं, तो कार्बन कितना है 1। एक कार्बन में कितने होते हैं 12, प्लस ऑक्सीजन कितने है 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, एक में कितने होते हैं 16, दोनों को जोड़ दो 12 16 दूनी 32, 12 और 32 कितने हो गए 44। तो इसका मोलर मास या मोलिकुलर मास कितना हो गया 44 ग्राम कह लो, 44 यूनिफाइड मास कह लो, या 44 जो भी आपका मन करे। तो इसका मतलब एक मोल, इसको हम 1 मोल कहेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या 1 मॉलिक्यूल, एक अणु जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, कितना वजन होता है 44 ग्राम, क्योंकि एक कार्बन में 12, 2 ऑक्सीजन में 16, क्योंकि एक में 16 होता है तो 2 में 16 दूनी 32, 44। इसी तरह आपसे कहें पानी का निकालो, किसका निकालो, वाटर का निकालो, तो देखो वाटर का पानी का कैसे निकालोगे, H2O, आप जानते हैं बच्चा हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन से सबका कंपैरिजन करते हैं, कहने का मतलब कार्बन अगर 12 है तो हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा है, 12 टाइम्स मोर। अगर यहां पे ऑक्सीजन का 16 है तो ये भी हाइड्रोजन से कितना ज्यादा है, 16 टाइम्स ज्यादा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन से कंपैरिजन करते हैं। आगे बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे 2, एक का कितना होता है 1, अभी हमने देखा ऑक्सीजन कितने, कुछ नहीं है 1 मान लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता ऐसे सबस्क्रिप्ट 1 मान लेते हैं, ये एटम बताते हैं कि ऑक्सीजन का एक का कितना था 16, कर लो इसको 2 1 2 16 कितने हो गए 18। तो एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो होता है उसका, या एक अणु जो होता है पानी का उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम कह लो, या 18 U कह लो। चलो अब आप मुझे निकाल के बताओगे इसका, मैं दे रहा हूं एक, आप मुझे उसका निकाल के बताओगे, आप CH4 का निकाल के बताओ, मीथेन कहते हैं इसे, मार्स गैस भी कहते हैं, और एक आप कार्बन मोनोऑक्साइड का निकाल के बताओ, इनका निकाल के बताओ साथियों, आप फटाफट से बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। आपने क्या किया, बहुत सही, इसका आपने 16 ग्राम निकाला और दूसरी वाली का आपने कितना निकाला 28, बिल्कुल सही। बच्चा इसमें कार्बन कितने हैं 1, एक कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं 4, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 12 को 12, 4 1 4, 12 और 4 16 ग्राम, बिल्कुल सही। मार्स गैस या मीथेन का कितना हो गया 16 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड कितने कार्बन है, एक में होता है 12, ऑक्सीजन भी कितने हैं 1, एक में होता है 16, 12 बन जा 16, टोटल कितना हो गया 28 ग्राम, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लोगे, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। नेक्स्ट चीज जो अब हम जानेंगे वो जानेंगे कि अगर आपको किसी ने कहा है, अब आपसे क्या कहा, देखो क्वेश्चन कैसे है, क्वेश्चन कहा है यू आर गिवन, आपको दी गई है यू आर गिवन कार्बन मोनोऑक्साइड, यू आर गिवन 56 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको 56 ग्राम क्या दी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड दी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उसमें, नंबर ऑफ मोल बताने हैं, मोल कितने हैं। दूसरा आपको क्या बताना है साथियों, दूसरा आपको बताना है एटम्स कितने हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या,
फटाफट से जिसको आता करके दिखाओ, परमाणुओं की संख्या थोड़ा सा आपने सीखा होगा, निकालो क्या है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। देखो आपसे क्या कहा गया बच्चा, आपको कुछ वजन दिया गया। किसका वजन दिया गया? 56 ग्राम। तो 56 ग्राम आपको दिया गया, इसको लिख लेते हैं गिवन वेट, कि जितना मास या जितना वजन हमें दिया गया। कितना दिया गया? 56 ग्राम। किसका दिया गया? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो हमने निकाल दिया कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक अणु का मास कितना है, एक अणु का द्रव्यमान कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है। तो बच्चा अभी हमने निकाला था, एक है कार्बन, एक है ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 28 ग्राम। एक अणु का कितना हो गया? 28 ग्राम। हमें कितना दिया गया? 56 ग्राम। आपकी एक चॉकलेट की कीमत 28 रुपए थी, घर वालों ने कहा कि बेटा 56 रुपए लेके जा, 56 रुपए लेके जा, तो कितनी चॉकलेट लेकर आओगे? तो फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स, मोल संख्या, मोल निकाल, मोल कितने होंगे। दिया गया द्रव्यमान या भार, दिया गया द्रव्यमान या भार डिवाइडेड बाय वन अणु का भार, वन अणु का भार मतलब गिवन वेट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और सबके लिए अलग अलग होता है, CH4 के लिए 16 था, इसके लिए 28 ग्राम है, तो जिसका भी दे रखा हो उसी का निकालना। तो हमें दिया गया था 56 रुपए और हमें पता थी एक चॉकलेट जो हम चाहिए वो कितने की आएगी, 28 ग्राम की। तो हमने निकाल दिए कितनी चॉकलेट लेकर आएंगे हम, कितने मोल, कितना है 56 बटे 28, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मॉलिक्यूल। इसका मतलब हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल मिले, 2 मॉलिक्यूल मिले। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2, बिल्कुल सही। अब हमसे पूछा है कि उनमें एटम कितने होंगे, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो परमाणुओं की संख्या मैंने कल बताया था, एक मोल में कितने होते हैं, वन मोल में 6.022 × 10³ होते हैं। हमारे पास कितने हैं, 2, तो 2 में गुणा कर दो, 6.022 × 10³, ये कितने हो जाएंगे, 12.044 × 10³ एटम्स। जब भी आपको कितने एटम, कितने परमाणु होंगे या कितने मॉलिक्यूल होंगे या कितने आयन, कितने कण होंगे, पार्टिकल्स की बात की जाए, तो आपको पता है एक मोल में एक मॉलिक्यूल, एक अणु में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10³। आपके पास कितने हैं, 2, क्योंकि अभी आपका आंसर कितना आया है, 2, तो 2 में हो जाएगा इतना। निकालना आ गया, बिल्कुल आ गया, नहीं आ गया, आया नहीं आया समझ में, बिल्कुल सही, ऐसा ही, चलिए शाबाश। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूल्स देखा, इस तरीके से हमने और क्वेश्चन देखे। अब मुझे, अब एक जैसे मैंने एक चीज बताई आपको, एक क्वेश्चन बताइए, एक सेकेंड, देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा, अभी बना, अभी सोच रहा हूं तो इस क्वेश्चन को दे देता हूं। क्या कह रखा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट 25% बाय मास, मास इन अ कंपाउंड XH4। क्या आपसे कह रखा है कि हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कोई XH4 नाम का क्या है, कंपाउंड है, कोई यौगिक है, किस नाम का, XH4 नाम का, इसमें वो बाय मास परसेंटेज कितनी दे रखी है उसकी, 25% दे रखी है। तो आपसे कह रखा है फाइंड एक्स, आप एक्स का पता लगाओ। क्या कह रखा है कि द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत है हाइड्रोजन का, ऑफ हाइड्रोजन इन XH4, एक यौगिक है XH4, उसमें द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 25%, मतलब उसके मास में 25% क्या है, किसका योगदान है, हाइड्रोजन का।
तो आपको बताना है कि x क्या होगा, फटाफट से इसका आंसर निकाल के बताइए। बेटा हिंदी तो लिख रहा हूं बाबू, सब कुछ तो हिंदी में बोल रहा हूं मेरे बच्चा, मैंने एक भी शब्द इंग्लिश का नहीं बोला, दो चार शब्दों को छोड़ दूं। बाबू केमिस्ट्री में थोड़ा हिंदी का भी ध्यान, इंग्लिश का भी ध्यान दो, ऐसे मत किया करो तुम। अरे वो सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग चले गए, वो अभी नहीं आए, वो सॉल्यूशन में आएंगे, विलयन विलायक पढ़ोगे जब, अभी अंग्रेज मत बनो। बिल्कुल सही, क्या होगा बेटा देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी में आपको द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज दी गई हो, तो एक फॉर्मूला लिख लो, मास परसेंटेज इक्वल टू गिवन मास या मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या कहा मैंने आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो एक तरफ क्या लिख लो, द्रव्यमान प्रतिशत, जो भी आपको 20% 25% 30% जो भी दे रखी हो, जिस भी एलिमेंट के बारे में बात की जा रही हो, जैसे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन की बात की जाए तो कार्बन, तो आपसे क्या कहा गया है कि द्रव्यमान प्रतिशत है उसका मास, तो इसमें क्या लिख लो, तत्व का द्रव्यमान, दिए गए तत्व का द्रव्यमान। तो भाई ये जो तत्व है इसका द्रव्यमान तो आपको पता है, फिर आगे क्या कहा गया है आपसे, आगे कहा गया है कि मॉलिक्यूलर मास, टोटल जो यौगिक है, यौगिक का अणु भार, यौगिक का अणु भार गुणा 100, ये फॉर्मूला बनेगा। तो आप क्या किया करो, मास परसेंटेज कितनी दे रखी है 25, आपको जो एलिमेंट दिया गया है इसका कितना हो जाएगा, एक होता है यहां पे, कितने है? 4। अब आपको इसके नहीं पता, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा लोगे, 1। मान लो XH4 का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इसका कुछ नहीं है 1 मान लेते हैं, इसके एक का कितना होगा m, इसके एक का कितना होगा m, और हाइड्रोजन 4 है उसका 4 होगा तो कितना आ जाएगा m+4। मैंने क्या किया बाबू, मैंने मान लिया x का जो मॉलिक्यूलर मास है, x तो मुझे पता नहीं है, मैंने उसको m मान लिया, यहां पे x के कितने एटम है 1, तो 1 का कितना हो जाएगा 4। क्लियर है, अब देखो तो ये कितना हो गया मेरे पास टोटल मॉलिक्यूलर मास m+4 × 100, ये तो मेरे पास चल ही रहा है, ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा m+4, ये 25 इधर आ जाएगा, 4 × 100/25, 25×25, 25×100 कितने हो जाएंगे, 4×16 m+4, ये +4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 4, तो m कितना आ जाएगा मेरे पास 12, और 12 मॉलिक्यूलर मास किसका होता है कार्बन का, कार्बन, तो x क्या हो गया मेरा कार्बन, और ये कंपाउंड कौन सा हो गया मीथेन CH4। क्लियर है बेटा, परमाणु नंबर धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप नेट से निकाल लो, मैं भी आज कुछ लिखवाऊंगा, धीरे धीरे याद करोगे तभी होगा, बिना याद करे दुनिया में कुछ नहीं होता। मैंने क्या किया कि जो भी कंपाउंड दिया गया हो उसकी जो वैल्यू है आप इसको m मान लो, यहां पे 2 होता तो आप 2 से गुणा करते, 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, यौगिक का अणु भार, और फॉर्मूले में रख दो, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत जरा सी भी नहीं है। क्लियर है, चलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने एक आपको क्वेश्चंस में भी दिया है, रुके रहोगे एंड तक तो वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे। अब मैं पूरा ही कराऊंगा जैसे मैंने फिजिक्स कराई है, केमिस्ट्री को भी मैं बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज, बस तुम भरोसा रख के करते रहना, ये मत सोचना क्लास कब तक चलेंगी, ये मत सोचना सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि मैं इसमें जान लगा रहा हूं पूरी क्लास में, मैंने आज तक इतनी जान सिर्फ CDS में लगाई है और कहीं नहीं लगाई, तो मुझे भरोसा है कि मैं सारी चीजों को कर दूंगा, तो आप भी रखिएगा, मतलब बिना जगह आप देख रहे हो, 2-3 पिछले कई दिनों से मैं खुद एहसास हो रहा है बहुत ज्यादा और कमजोरी आती जा रही है, पर तुम परेशान मत हो, ये हम पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को जो अभी मैंने 2-3 कराए हैं इनको सबको 3-3, 4-4 बार रिवाइज करना। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं मिक्सचर पे, देखो मिक्सचर में और कंपाउंड में जो यौगिक था उसमें दो ही अंतर थे, अगर मेन तौर पे देखें यौगिक और जो मिश्रण होता है उसमें दो ही अंतर होते हैं,
यौगिक और मिश्रण, मिक्सचर। इसमें पहली बात, इसमें भी दो या दो से अधिक एलिमेंट, दो या दो से अधिक मोर, टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड मिलते हैं, एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं, यौगिक मिलते हैं, तत्व या यौगिक मिलके बनाते हैं इसको यौगिक। जैसे अगर मैं बात करूं कि भैया चीनी, पानी, वॉटर, वॉटर में आप चीनी घोल रहे हो, तो चीनी भी तो अपने आप में एक यौगिक है, पानी भी अपने आप में कंपाउंड है। हो सकता है आप हवा, हवा जो होती है एयर, एयर में आपको पता है नाइट्रोजन भी होती है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, आर्गन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो एयर क्या है, हवा क्या है, उसमें कई सारी गैस, ये सब तत्व हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट है। तो कहने का मतलब वाटर और शुगर सॉल्यूशन में तो जो मिश्रण बनते हैं उसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी तरह जब कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पानी बना, भाई दो से ज्यादा एलिमेंट शामिल है, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना, इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आता है मेन दिक्कत है कहां, तो देखो मिक्सचर बनता है तो देर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। जब मिक्सचर बनेगा तो नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, लिख लो फटाफट से केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक, रासायनिक विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। कहने का मतलब चीनी और पानी बना तो ऐसा नहीं है चीनी पानी आग बन गया, पानी का भी स्वाद रहा, चीनी का भी स्वाद रहा, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं आया। और कंपाउंड की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन आता है, केमिकल रिएक्शन होती है, क्या कहूं, रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन जलाने के काम आती थी, फ्यूल की तरह यूज होती थी, ऑक्सीजन की वजह से चीजें जलती हैं, कंबशन होता है, बर्न होती हैं, लेकिन दोनों जब मिल गए, दोनों ने क्या किया, जब मिल गए तो क्या बना, पानी बना, वॉटर बना। और इसकी जो प्रॉपर्टी थी, इसकी जो करेक्टरिस्टिक या विशेषताएं थी, दीज आर अल्टीमेटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसकी जो विशेषताएं थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल ही भिन्न थी, बिल्कुल ही अलग थी। इसका मतलब कंपाउंड जब बनते हैं केमिकल चेंज आता है, मिक्सचर जब बनते हैं कोई केमिकल चेंज नहीं आता, यही मेन डिफरेंस है किसका। इसमें क्या होती है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसमें क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होती है, एटम एक जगह से दूसरी जगह जाके अलग तरीके से शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आप को, मतलब अपने आप को अलग तरीके से रीएडजस्टमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है मिक्सचर में, इसमें मान लो ये पानी था, आपको पता है पानी के बीच में खाली जगह होती है, भाई जो लिक्विड के एटम्स होते हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, अंतरणविक रिक्त स्थान। जब आपने इसमें चीनी घोली, जब आपने इसमें शुगर सॉल्यूशन या चीनी घोली, तो चीनी ने ये जो बीच में जगह थी इनमें आके खुद जम गई, इसलिए क्या हुआ कि आप चीनी घोलते गए और इसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा। पता होता है ना, मान लो एक ग्लास है, ग्लास में आपने यहां तक पानी भरा हुआ है, आपने इसमें चीनी मिला दी, तो ऐसा नहीं है कि पानी का लेवल यहां आ गया, बिल्कुल नहीं, उसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ती, क्योंकि चीनी अपने आप को इन खाली स्थानों में बिठा लेती है, जो खाली स्थान लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में होते हैं, और जब वो अपने आप को बीच में फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक स्पेस में बिठा लेगी, इंटरमोलिकुलर स्पेस में, तो एक बार बताओ आयतन क्यों बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यों बढ़ेगी, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मिक्सचर में वॉल्यूम नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो उसको अपने खाली स्थानों में बिठा लेता है। इस चीज को अच्छे से लिख लीजिएगा कहीं पे स्टार डाल के। चलिए अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, तो देखो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस जिसे हम समांग मिश्रण बोलते हैं, एक होते हैं हीटेरोजीनस, हीटेरोजीनस जिसे हम विषमांग मिश्रण बोलते हैं। अब समझना, इसमें जैसे आपने चीनी और पानी को घोल दिया, शुगर और वाटर को मिला दिया, अब समझना मेरी बात, जब ये पूरी तरीके से घुल गए
तो क्या पता लगा पाओगे कहां चीनी है कहां पानी है? आप चीनी को अगर एक चम्मच लेके ऐसे देखोगे तो क्या उसमें चीनी को ढूंढ पाओगे? घुल गई अच्छे से? बिल्कुल नहीं ढूंढ पाओगे। इसका मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समान रूप, पूरी तरीके से घुल गए आप अपनी नेकेड आई से या किसी और तरीके से, आप उसका पता नहीं लगा सकते कि कहां पे चीनी है और कहां पे वाटर है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, पूरी तरीके से घुल गए। जबकि हिटेरोजीनस में क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, असमान रूप से घुलते हैं, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। कैसे? असमान रूप से। अभी बता रहा हूं कैसे। आपने पानी में रेत डाल दिया, पानी में क्या डाल दिया? सेंड, बालू। अब मुझे एक बार बताओ क्या बालू पानी में अच्छे से घुलेगी? नहीं, कहीं तैरेगी। जो बालू के छोटे छोटे कण होंगे और जो भारी कण होंगे वो नीचे जाके बर्तन में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे, यहां पे सेडिमेंट हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे। कहने का मतलब कि ये कैसा कंपोजिशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अगर नीचे से आप निकाल के देखोगे, हाथ निकाल के ऐसे पानी के मिक्सचर को लोगे तो आपको बालू ज्यादा मिलेगी, ऊपर से लोगे तो बालू कम मिलेगी। जबकि अगर इसमें से आप एक चम्मच या एक मुट्ठी पानी लेते तो आपको उतनी ही पूरी तरीके से घुली हुई चीनी मिलती। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके हर एक पार्ट के जो गुण क्वालिटी होती है वो सेम होती है, उसके डिफरेंट होती है। जैसे भी बताया, कहीं ज्यादा बालू कहीं कम बालू। इसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, इन्हें हम नेकेड आई से या अपनी बिना चश्मे वस्मे की आंखों से, बिना माइक्रोस्कोप वगैरह से हम इसे देख सकते हैं कहां बालू है और कहां पे पानी है। इसके एग्जांपल हो जाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जिन्हें हम कोलाइडी बोलते हैं, इसको समझाऊंगा बाद में, आगे बढ़ेंगे जब केमिस्ट्री में। और जो हमारे मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन, ये इसके टाइप हो जाते हैं। इसका जो टाइप होता है वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन भी इसका टाइप है, जिसे निलंबन बोलते हैं। मतलब इसके जो कण होते हैं उनका जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जबकि इसका होता है ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन। ये जो अभी हमने चीनी पानी का घोल बनाया, मिक्सचर बनाया था, ये क्या था? ट्रू सॉल्यूशन था। ट्रू सॉल्यूशन में जो चीज ज्यादा मात्रा में होती है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, जिसमें कोई चीज घुलती है विलायक, और जिसमें कोई चीज घुलता है उसे बोलते हैं विलय, विलय और विलायक। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका जो डायमीटर होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर। जिसमें चीजें घुलती हैं ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट, जो घुलता है कम मात्रा में होता है उसे इंग्लिश में सॉल्यूट और हिंदी में विलय, विलायक और विलयक। ठीक है, नेकेड आई नंगी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी चश्मे वगैरह की मदद के। कोलाइडल वगैरह इसके टाइप होते हैं। अब पहला ये तो हमें समझ में आ गया कि सर होमो क्या होता है, कि बिल्कुल पूरी तरीके से घुल गया, अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसमें, कहां चीनी है। इसी तरह नमक घुल जाता है पानी में, और भी कई सारे एग्जांपल। और सर हीटरो मतलब बिल्कुल हीटर हीटर है, अलग अलग है, बिखरे पड़े हैं, कुछ पता नहीं। तो अब एक बार बताओ, अब हमें जैसे मिक्सचर दे दिया जाए, अब इस मिक्सचर को अलग कैसे करेंगे? तो आप लिख लीजिए टेक्निक्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के कंपोनेंट्स को, मिश्रण की चीजों को अलग करने की टेक्निक्स। कई सारे टेक्निक्स पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले ऐसे ही कुछ एग्जांपल देखें हीटरोजीनियस मिक्सचर के, फॉर एग्जांपल आपको सेंड दिया गया है, सेंड मतलब रेत, और रेत में आयरन नेल्स पड़ी हुई है, समझ रहे हैं ना? रेत में क्या पड़ी हुई है? लोहे की कील। आपको इनको अलग करना है तो आप दो तीन काम, दो तीन तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, देखो ये हीटरोजीनियस मिक्सचर है, आपने रेत में लोहे की कील मिला दी, दोनों ही अपने आप में पूरी तरीके से नहीं मिली, तो ये कैसा मिक्सचर हो गया? ये विस्मांग मिश्रण हो गया, विस्मांग, अलग अलग सा, हीटरोजीनस। साफ आप आराम से अलग कर सकते हो। सर कहोगे पहला तरीका है गुरुदेव कि आप आयरन नेल्स को हाथों से उठा लो, हाथों से भी तो कर सकते हैं, हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप कहोगे गुरुदेव हाथों से उठाना, कि आप मैग्नेट चुंबक का इस्तेमाल कर लो, चुंबक को ऐसे फिराओ तो क्या हो जाएगा, ये चुंबक से चिपक जाएंगी, क्योंकि मैग्नेट चुंबक से चिपक जाती है। जो ये आयरन होता है, लोहे की कील होती है,
बोला अच्छा भाई तीसरा और बताओ कि सर आप एक काम करो, एक छलनी लो और छलनी में इसको पूरे को डालो और छलनी को ऐसे हिलाओ जैसे गांव में हिलाते हैं जब हम छान नाज छानते हैं ना छाछ से, या वो छलनी जो होती है तो उससे हिलाओ। तो सर क्या करो इसको सीविंग कर दो, छलनी से निकाल दो गुरुदेव, तो ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, आयरन नेल मोटे होते हैं ये अलग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो बात कर लो, क्योंकि तुम्हें दिख तो रहा नहीं है मास्टर पढ़ा रहा है इतनी मेहनत से, तुम यहां बात करने आए हो, लिख लो इसे। बिल्कुल सही, आप मैग्नेट से कर सकते हो, हाथों से उठा सकते हो, सीविंग छलनी से छान सकते हो। एक तो इतने काम आते हैं, हद कर रखिए, बताओ क्या इतना भी नहीं पढ़ाते। कोई बात नहीं, चलो तुम्हें पता चलेगा जब इसका पेपर आएगा। चलो ठीक है, सेंड और आयरन नेल्स ऐसे कर दिया। इसी तरह अब कुछ ऐसे होते हैं, ये तो आपने कर दिया, लेकिन वही मैं बात कर दूं वाटर और शुगर वाले एग्जांपल की, पानी और चीनी वाले, पानी और चीनी वाले एग्जांपल की, अब इसको कैसे अलग करोगे, तो भाई की दिक्कत आ गई ना, तो इसे हाथों से छान सकते हैं पानी और चीनी को अलग कर सकते हैं, ना ही इसको सीविंग छलनी से अलग कर सकते हैं, ना ही इसमें चुंबक घुमा सकते हैं। तो बोला अब क्या किया जाए, तो अब आ जाती है हमारे पास स्पेशल टेक्निक्स जिन्हें हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं बच्चा, कि मैं आपको एक एक करके आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूं, तो इमेज दिखा रहा हूं, तो इमेज से आप क्या करोगे कि कनेक्ट कीजिए, वहां से चालू है मेरा अपना, कीजिए कीजिए कनेक्ट 3064 ओके। एक सेकंड मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूं, एक बार ये हो जाए फिर आपको फायदा होगा। तो ये हमारे इतने ही हो, इतने मैं आपको बताता हूं कि ये जो हमारी कुछ टेक्निक्स हैं इनमें सबसे पहले आ जाती है इवेपोरेशन। क्या आ जाती है, इवेपोरेशन, रीजन अननोन बता रहा है, आईडी बताना अपनी 166। एक सेकेंड बच्चा प्लीज, सॉरी, गुड गुड गुड। चलिए तो अब सबसे पहले जो टेक्निक आ जाती है वो क्या होती है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जिससे आप चीजों को अलग करते हो, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। इसमें क्या होता है कि मान लो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर में दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट जो कम है विलयक, एक है सॉल्वेंट विलायन या विलयन विलायक, ठीक है, जो इसमें चीजें मिलती हैं। इनमें से एक वोलेटाइल है जिसमें मतलब बहुत जल्दी उबल जाता है या बहुत जल्दी, और एक क्या है नॉन वोलेटाइल, वो कम देर से उबरता है या उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। एक वोलेटाइल है एक कम वोलेटाइल है, तो आप क्या करोगे, दो हैं तो एक को, जैसे मान लो आप वाटर और नमक वाले की बात कर लेते हैं, सॉल्ट वाले, सॉल्ट वाले की, इसको आप इवेपोरेशन से भी अलग कर सकते हैं, इसको आप और भी डिस्टिलेशन से भी अलग कर सकते हैं। इसमें क्या करोगे, जैसे ही आपने इसको उबालना शुरू किया तो आप जानते हैं जो पानी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है देर से, या देर से उसमें वोलेटाइल नहीं होता वो, तो पानी क्या बन जाएगा, उड़ के भाप बन जाएगा। उन भापों को आप क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने पे क्या बन जाएगा आपको, हालांकि डिस्टिलेशन में आ जाता है पानी मिल जाएगा, या कुछ और एक इसका दूसरा वो ले लो। इसमें क्या होता है, सिंपल सा ऐसा समझ लो कि एक चीज वोलेटाइल होती है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाके उबलने लगती है, इवोपरेट हो जाती है, वाष्पीकरण हो जाता है, और एक थोड़ा देर से, तो उसमें किसका काम करोगे आप, इवोपरेशन या वाष्पीकरण। और इवोपरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आप जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा, जितनी हवा की स्पीड बढ़ाओगे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ह्यूमिडिटी क्या होगी कम, आर्द्रता क्या होगी कम,
आर्द्रता कम होनी चाहिए उतना ही इवेपोरेशन ज्यादा होगा, पहली बात होगी। दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने देखा होगा जब हम अपना ब्लड वगैरह चेक कराने जाते हैं, ब्लड रक्त वगैरह, तो वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट कितनी है सबकी हमारे बारे में बता देता है ना, तो वो किसमें क्या करता है कि एक छोटी सी ट्यूब में हमारा क्या लेता है, ब्लड लेता है और उसे एक मशीन में लगा देता है और वो मशीन बहुत तेज तेज घूमती है। तो जब हम किसी चीज को बहुत तेज तेज घुमाते हैं जैसे अर्थ घूमती है तो बाहर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लगता है, एक छदम बल जो एक्चुअल में लगता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन हम न्यूटन के लॉज को मानने के लिए उसको मानते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। तो जब इसकी तरफ से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो जो भारी चीजें होंगी, डेंस चीजें, भारी चीजें, वो कहां जाएंगी, नीचे, वो नीचे आ जाएंगी, या कहें एक्सिस से दूर, एक्सिस से दूर, जैसे एक्सिस होगा ना जिस पे आप घुमाओगे, और जो लाइट चीजें होंगी हल्की वो ऊपर आ जाएंगी, वो कहां जाएंगी, ऊपर। तो जो डेंस चीजें हो जाएंगी वो नीचे चली जाएंगी, सेटल डाउन, सेटल डाउन नीचे, और जो लाइट चीजें हो जाएंगी ये अपवार्ड आ जाएंगी, ऊपर की तरफ आ जाएंगी, हल्की ऊपर। इसी तरह से हम किसी भी चीज के उनको अवयवों को, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट को अलग कर सकते हैं। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके हम जो दही होती है, कर्ड होती है, कर्ड में से बहुत सारी चीजें, बटर वगैरह अलग करते हैं, छाछ बनाते हैं ना, बटर मिल्क, याद हो गांव में किसी ने छाछ पियो सुबह उठ के, मेरा मन कर रहा है ज्यादा इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। बटर और बटर मिल्क ये भी दही से, छाछ और मक्खन ये भी इसी तकनीक से अलग करते हैं, अपकेंद्रण कह सकते हो इसे हिंदी में। तीसरा आपने देखा होगा कपड़े, वॉशिंग मशीन जो होती है, कपड़े सुखाने की मशीन, वॉशिंग मशीन, ये भी कपड़े में से जो पानी निकालती है वो भी क्या होता है, इसी के बेसिस पे होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे। एक और मिल्क में से क्रीम निकालना, मिल्क में से क्रीम निकालना, एक चीज नोट कर लीजिए अच्छे से स्टार लगा के, देखो क्रीम की जो ग्रेविटी होती है, डेंसिटी होती है, वो होती है लगभग 0.9। मिल्क में से क्रीम निकालते हैं ना जब उसको वो कर देते हैं, टोन्ड मिल्क जो कहते हैं, दूध में से क्रीम निकालना, तो क्रीम की जो डेंसिटी होती है 0.9 और क्रीम के साथ मिल्क की होती है 1.024 करके। अब जब जैसे ही आप क्रीम बाहर निकाल लोगे तो क्या होता है, मिल्क की डेंसिटी बढ़ जाती है, मिल्क का जो घनत्व है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 1.035 के इक्वल हो जाता है। इसका कारण यह है कि मिल्क में कई सारी चीजें होती हैं, कुछ प्रोटीन वगैरह होती हैं जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, प्रोटीन वगैरह की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, SNF वगैरह होती हैं, कुछ फैट होता है, क्रीम तो होती होती है। अब क्रीम की डेंसिटी होती है कम, प्रोटीन फैट SNF इनकी डेंसिटी या घनत्व होता है ज्यादा। तो जब आप किसी लिक्विड में से, जब आप किसी द्रव में से किसी हल्की चीज को निकाल लेते हो तो ओवरऑल द्रव जो है उसका घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए क्रीम निकालने के बाद में इसकी जो डेंसिटी है मिल्क की वो बढ़ जाती है, क्योंकि SNF प्रोटीन की पहले से ज्यादा थी लेकिन क्रीम की कम थी, उसकी वजह से इनकी कम हो गई। अब जब क्रीम ही बाहर आ गई तो ओवरऑल डेंसिटी जो थी वो बढ़ गई, क्लियर है, ओवरऑल डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इनकी मैं एक एक करके आपको क्या दिखा दूंगा, इमेज दिखा दूंगा, जैसे आपके सामने एक इमेज आ रही है, देखो इसमें क्या किया गया है, एक तरफ देखो ब्लड सैंपल लिया गया है और देखो ब्लड सैंपल के नीचे कुछ सॉल्यूशन मिलाया गया है जिससे चेक करते हैं, फिर उसको जब सेंट्रीफ्यूग करेंगे तो प्लाज्मा, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर देखो नीचे सबसे क्या इकट्ठे हो गए, आरबीसी, इसका मतलब सबसे भारी क्या होती है ब्लड में, आरबीसी। देख लो आपके सामने सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट जो तरीका होगा हमारा अलग करने का वो होगा सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल क्या होता है, एक छोटी सी ट्यूब होगी, ये दो अघुलनशील,
घुलनशील, ए घुलनशील पदार्थों को अलग करती है, इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड्स को, जैसे कि ऑयल और वाटर, ऑयल प्लस वाटर। तो इसमें क्या होता है कि ऑयल प्लस वाटर आप जानते हो, पानी होता है, ऑयल होता है ऊपर, ऑयल क्या होता है ऊपर हल्का होता है, डेंसिटी कम होती है, पानी होता है नीचे। भाई तेल और पानी में तेल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है। अब इसको एक फनल से निकालो तो क्या होगा कि पानी जो होगा, यहां पे एक फनल लगा दो तो पानी आता रहेगा, पानी निकलता रहेगा इससे। जैसे ही तेल आएगा आप उस फनल को क्या कर दो, बंद कर दो, तो तेल रह जाएगा ऊपर और पानी निकल के आ जाएगा नीचे। तो तेल और इनको जो होता है, इनको क्या करते हैं, नली, एक फनल होती है उसके द्वारा इनको अलग किया जाता है। चौथी टेक्निक होती है अपने पास सबलीमेशन। क्या होती है? सबलीमेशन, जिसे कहते हैं उधर्व पातन। ये पहले भी बताया था, सबलीमेशन क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं, ठोस, ठोस किस में बदल जाते हैं, डायरेक्ट गैस में, सॉलिड किस में बदल जाते हैं, गैस में। तो इसमें ऐसों को ही, चीजों को अलग किया जाता है, जिसमें क्या होती है, एक चीज में आग लगाओ या आग नहीं, एक चीज को गर्म करो तो वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगी डायरेक्ट गैस में। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप बात करोगे तो जैसे NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड या नेप्थिलीन बॉल्स, इन सबको अलग करना हो तो थोड़ा सा गर्म कर दो, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाएंगी, वहां क्या कर लो, इसको इकट्ठा कर लो। तो ये सब किसके एग्जांपल हो जाते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको आप उधर्व पातन से गर्म कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। सबलिमेशन का होगा सर, हो तो लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। पांचवा, डिस्टिलेशन। डिस्टिल बेटा इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन, याद रखना, डिस्टिलेशन क्वेश्चन मैंने भी दिए हैं, रुके रहना कुछ देर। आसवन, डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस होते हैं, इसमें इवेपोरेशन भी होता है, आसवन में वाष्पीकरण भी होता है, दिख तो रहा है ना ये मार्कर, क्या होता है, वाष्पीकरण भी होता है और साथ साथ इसमें कंडेंसेशन भी होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब संघनन। इसमें वही पानी वाला एग्जांपल दोबारा ले लेंगे, समुद्र का पानी, सी वाटर, सी वाटर को अगर आप गलत गर्म करोगे तो गर्म करने पे, हीट देने पे क्या होगा, पानी जो होगा इवोपरेट हो जाएगा, नमक सॉल्ट नीचे रह जाएगा, पानी इवोपरेट होगा, वाष्प बनेंगे, उसको क्या कर लो, इकट्ठा कर लो, संघनन कर लो, और संघनन करके प्योर वाटर को फिर से किस में बना दो, लिक्विड वाटर में बदल दो, पीने वाले पानी में बदल दो। तो डिस्टिलेशन से आप इस तरह से चीजों को कर सकते हो। क्या होगा, इनका सी वाटर, नमक और पानी के बॉइलिंग पॉइंट, जो नमक और पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसे आप क्वथनांक कहते हैं हिंदी में, इसमें कुछ ना कुछ अंतर होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा अंतर होना चाहिए, तब आप कौन सा करोगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन भी कई टाइप के होते हैं, एक होता है कि कुछ चीजें जो होती हैं वो स्टीम में घुलती हैं, पानी में ना घुल के किस में घुलती हैं, स्टीम। जैसे अगर आप यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस ऑयल होता है, इसको अलग करना हो, या आपको सैंडलवुड ऑयल हो, चंदन का तेल, इन सबको अलग करना हो, तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या होती है कि स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन होता है, ये भाप में घुलते हैं और भाप में घुल के ये अलग हो जाते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत लेस डिफरेंस है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है क्वथनांक में वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या आंशिक आसवन। इसको एक बहुत बड़े चैम्बर में से पूरी चीज को निकाला जाता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे, अलग अलग क्वथनांक पे अलग अलग चीजें होती रहती हैं। तो पेट्रोलियम में से जो डीजल वगैरह निकाला जाता है, पेट्रोलियम में से डीजल, पेट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस में निकाला जाता है?
आंशिक आसवन या एयर, हवा में से नाइट्रोजन वगैरह को जो अलग किया जाता है एक्वस हवा में से, वो भी किसकी वजह से निकाला जाता है, इसी की वजह से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से। देखो आपके सामने एक हीटर है इमेज में, इधर फ्रैक्शनेटिंग टावर है। अब देखो ऊपर से, सबसे पहले एलपीजी गैस 20 डिग्री पे, फिर 70 पे क्या आया पेट्रोल, फिर नीचे चले 120 नेप्था, नेप्थलीन बॉल वगैरह जो बनती हैं जिसकी केमिकल बनाने के काम आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहा, फिर आपको केरोसिन मिला 180 पे। केरोसिन का काम क्या होता है, घरों में काम आता है हीटिंग के, जेट फ्यूल, याद रखना एयर टर्बाइन फ्यूल ATC जिसे शायद बोलते हैं, या जो जेट एरोप्लेन में काम आता है वो केरोसिन ऑयल होता है। उसके बाद में डीजल, डीजल इंजन के लिए, उसके बाद में और आगे चलोगे लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो काला तेल होता है, काले तेल की होली खेली होगी आप में से किसी ने, ये कई मशीन वगैरह में ऑयलिंग के काम आता है, चिकनाहट देने के लिए। उसके और आगे चलोगे तो आपको मिलेगा फ्यूल ऑयल, ये शिप और फैक्ट्री में काम आता है ऐसा फ्यूल बहुत ज्यादा। और उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, बिटूमीन, जो सड़कों वगैरह पे डाला जाता है, ये पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। ठीक है, ये क्या है, पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके अलावा फिर आ जाता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन, क्या जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। इसको अच्छे से कर लेना, जो अभी आपको दिखाया जा रहा है कौन से टेम्परेचर पे कौन सी चीज मिलती है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, बिटूमिन, सबसे पहले एलपीजी। और इनमें देखोगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम होता है। फिर आ जाता है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जिसे हिंदी में रवाकरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रवाकरण। इसमें जैसे सुगर के क्रिस्टल नहीं होते, सुगर या चीनी या नमक के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, दाने, दानों को क्या कहते हैं, क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है कि आप किसी भी इंप्योर चीज को, इंप्योर या कोई अशुद्ध चीज जो है उसको एक अच्छे सॉल्वेंट में मिलाओ जिसमें वो घुल जाती हो, किसी विलायक में मिलाओ जिसमें वो घुल जाती हो, इसको क्या करो, सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन आपको मिले इसको गर्म करो, इसको क्या करो, गर्म करो, हीट दो। और हीट देने के बाद में इसको क्या होगा कि जो सॉल्यूशन होगा, ये घुल गई थी पहले ही, तो वो उसमें से कुछ पार्टिकल एवोपरेट हो जाएंगे। फिर इसको धीरे धीरे कूल करो, स्लोली क्या करो, कूल। जब ये मिश्रण स्लोली स्लोली कूल होगा तो जो आपको ये इम्प्योर सब्सटेंस होगा, इसमें जो प्योर चीजें होंगी वो दाने दाने के रूप में मिल जाएंगी, क्रिस्टल के रूप में मिल जाएंगी। तो आप उसे सिंपल भाषा में क्या कह दोगे, क्रिस्टलाइजेशन, क्या कह दोगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, थोड़ा हैंग हो गया है, कोई बात नहीं, एक मिनट में कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, करो ना वहां से, एक ही बात है, करो तो, एक सेकंड बच्चा, कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे, क्रिस्टलाइजेशन। आपको दिख रहा होगा कि हमने पहले किसी सॉल्यूशन में मिलाया है, फिर उसको गर्म किया है, गर्म करने के बाद में धीरे धीरे कूल किया है, तो हमें क्या मिल गई है, वो जैसे नमक और शुगर, वो इसी तरीके से अलग होते हैं। इथाइल एल्कोहल क्या होता है, नमक और शुगर, नमक सॉल्ट और चीनी, शुगर को अलग करना हो, शुगर को, तो इन दोनों को क्या करो, इथाइल एल्कोहल में मिलाओ। इनके लिए सॉल्यूशन का काम क्या करती है, इथाइल एल्कोहल, आप इथाइल एल्कोहल में मिलाइए और इसको गर्म कीजिए, गर्म करने पे जो चीजें होंगी वो क्रिस्टल के रूप में आपको अलग अलग मिल जाएंगी। तो एक इसका एग्जांपल हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन का। और लास्ट आ जाती है हमारी क्रोमेटोग्राफी, क्या जाती है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, CHROMA, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा माने अलग,
जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वर्ण लेखन। नेक्स्ट क्या आ जाती है? क्रोमेटोग्राफी। इसमें अलग अलग कलरों को अलग अलग किया जाता है, कलर को अलग करने के लिए यूज होती है वर्ण लेखन। वर्ण माने कलर ही होता है, क्रोमा। नेक्स्ट देखना क्या होता है कि इसमें एक बेस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? स्टेशनरी फेस। क्या बनाया जाता है? स्टेशनरी फेस। जिसे हमें अलग करना होता है उसको इसके अंदर डाला जाता है। क्या बना के? मोबाइल, जो चीज चलती है। इसमें जो सॉल्यूशन होता है, जो भी चीज हम इसमें भरते हैं स्टेशनरी फेस, इसकी खासियत होती है कि ये अलग अलग रंगों को अलग अलग क्षमता के अनुसार सोख लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है या अधिशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिशोषण। और ये जो एब्जॉर्ब करता है, इसकी जो पावर होती है एब्जॉर्ब करने की, वो अलग 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 होती है। अब मान लो कि हमने एक पेड़ में से, प्लांट से पिगमेंट निकाले। क्या निकाले? प्लांट से, एक पौधे से हमने कुछ पिगमेंट निकाले, जिसमें आपको पता है पौधे से क्या क्या मिलते हैं हमें? कैरोटीन मिलते हैं, ये जो ऑरेंज कलर देते हैं, जैंथोफिल मिलते हैं जो येलो कलर देते हैं, आपको पता है क्लोरोफिल मिलती है, क्लोरोफिल कौन सा कलर देती है? ग्रीन कलर देती है। तो ये अलग अलग, हरा कैरोटीन कैसा देते हैं? ऑरेंज, नारंगी। क्लोरोफिल कैसा देती है? हरा। जैंथोफिल कैसे देते हैं? येलो। जब हम इसमें से निकालते हैं तो ये तीनों के तीनों हमें अलग अलग मिल जाते हैं। तो कलर को, इंक को अलग अलग करने की जो विधि होती है, टेक्निक होती है, उसे कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो आपके सामने एक इमेज आ रही है, क्रोमेटोग्राफी। हाँ जी, तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है, ये इमेज है, इसको आप देखिएगा। जाना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, जग के हम जग रहे हैं, तुम्हें भी जगना है, करा के होगा ये। हालांकि मैंने वो पहला वाला टॉपिक ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। अब करेंगे हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज, क्रोमेटोग्राफी। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर लॉ करेंगे केमिकल, फिर थोड़ा सा डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी, फिर थॉमसन मॉडल छोटे छोटे हैं, फिर आइसोटोप, एटॉमिक नंबर, ये सब क्या होते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। शाबाश शाबाश, फेसबुक मत चलाओ, कुछ मत करो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पढ़ो मत, वेरी गुड। दिख तो रहा है, तुमने हटा दी क्या सर? देखो इसमें अगर आपको ध्यान से देखोगे, सर थोड़ा सा बड़ा कर दो इसे प्लीज, और बड़ा कर दो, पूरे पे दिखा दो। देखो अब आपको दिख रहा है, अब तो आपको ये अच्छे से दिख रहे होंगे कि कहां पे क्रोमेटाइन होता है, कहां पे क्या होता है, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस पेज को उठाया और मैंने इस पेज को मोड़ दिया। मैंने इस पेज को क्या किया बच्चा? मोड़ दिया। तो मुझे आप एक बार बताओ मेरे साथियों, अगर मैंने इस पेज को मोड़ दिया और मैंने दोबारा से इसको चाहा, तो क्या इसके रंग रूप, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो ऐसा परिवर्तन या ऐसा चेंज जिससे रंग रूप वगैरह में परिवर्तन होता है, जिससे कलर में चेंज हो जाएगा, रंग में, स्टेट चेंज हो जाएगी, अवस्था में चेंज हो जाएगा, स्टेट में चेंज आ जाएगा,
हो सकता है उसके रूप में शेप में चेंज आ जाए, आकृति बदल जाए, तो ऐसे जो चेंज होते हैं उन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। जैसे कि पानी का आइस बर्फ से वाटर बन जाना, लिक्विड बन जाना, द्रव बन जाना, या जो द्रव होता है उसका भाप या वेपर बन जाना, इसी तरह इसका मोड़ देना या लकड़ी का काट के दूसरी लकड़ी बना देना, मतलब जिसमें सिर्फ कलर, अवस्था, स्टेट, शेप चेंज होती है उसे हम फिजिकल चेंज करते हैं। याद रखिएगा, इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनता, पहले जैसी क्वालिटी रहती है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा इसको, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। जबकि जो केमिकल चेंज होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन, क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे, इनमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस, नया पदार्थ। जैसे कि आपने कागज जलाया, एक कागज या पेपर को जला दिया, और पेपर जब बर्न हो गया तो बर्न होने के बाद में क्या मिला आपको, राख मिली। क्या मिली आपको, ऐश, राख। अब एक बार बताओ, ये जो राख है ये बिल्कुल ही अलग सब्सटेंस है, कागज अलग था, राख अलग थी। इसी तरह जैसे आपने आटा लगाया और आटे की आपने बर्न करा के क्या बना दी, रोटी, तो रोटी की प्रॉपर्टी अलग है, नया सब्सटेंस है, आटे की अलग है, आप रोटी से दोबारा आटे को नहीं ला सकते, ये भी कैसा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज। हालांकि केमिकल चेंज कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं, ऐसा नहीं है दोबारा से पहले वाले सब्सटेंस मिल सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हमने क्या कहा, जैसे पानी, पानी का बनना एक केमिकल चेंज है, आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाती है, जबकि एक ऐसा चेंज है, केमिकल चेंज है, बिल्कुल नया सब्सटेंस बना था। तो जब कोई नई चीज बने, इतना दिमाग में रख लो, तो उसे आप क्या कहोगे, रासायनिक परिवर्तन। और अगर सिर्फ कलर, अवस्था, शेप में चेंज आ जाए, जैसे कि सॉलिड से गैस बन गई, फिर दोबारा से सॉलिड बन गई, तो ऐसों को हम क्या कहेंगे, भौतिक चेंज या फिजिकल चेंज। और केमिकल में क्या बनती है, नई चीजें बनती हैं। बहुत सारे एग्जांपल उसके हो सकते हैं, कैंडल, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जो जलना है, जो मोमबत्ती कैंडल जलती है, दोनों तरीके का चेंज है, इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों होते हैं। कैसे, कि अगर भैया फिजिकल में क्या होगा, मोमबत्ती जलने पर कि इसका जो वैक्स होता है, मोम होता है, ये पिघल जाता है, क्या करता है, मेल्ट करता है। और अगर इसके केमिकल की बात करेंगे तो मेल्ट होके बर्न होता है और वेपर बन जाके, वेपर बन, बर्न होता है, वेपर, वेपर बनते हैं तो क्या देता है, लाइट देता है। तो इसका मतलब इसमें वैक्स जब पिघला, मेल्ट हुआ मोम, तो ये फिजिकल है, क्योंकि मोमबत्ती को पिघला के वो दोबारा मोम बनेगा और दोबारा मोमबत्ती बना सकते हो, लेकिन जब जल गया, लाइट और हीट दी, ऊष्मा और प्रकाश दिया, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज। तो मोमबत्ती में दोनों तरीके के, तो एक साथ दो चेंज भी एक ही सब्सटेंस में हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो रसायन आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके कौन कौन से लॉ हमारे सामने हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, ये लेवोइसियर ने दिया था, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, फ्रांस का रहने वाला था, 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली साल। इसके अनुसार क्या था, जो चीजें मिलती हैं बच्चा, जो चीजें मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। इस तरफ जो चीजें होती है लेफ्ट हैंड पे, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिएक्टेंट। जो चीजें हमें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। जैसे मान लो सोडियम और क्लोरीन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, नमक, NaCl। ये जो एरो होता है ये बनाता है चेंज, ये क्या बताता है, चेंज, कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये गैस है, ये सॉलिड है, दोनों मिलके क्या बन गई है, NaCl, नमक बन गई है। याद रखिएगा, अगर यहां पे 12 ग्राम है, यहां पे ये 10 ग्राम है, तो 12 और 10 कितने हो जाते हैं, जो आपको मिलेगी वो कितनी होगी, 22 ग्राम। तो
केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण, उसका कहना क्या है कि जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है जो इस तरफ होते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब ना तो कोई एटम खराब होता है, डिस्ट्रॉय होता है, ना ही कोई नई चीज क्रिएट होती है। तो वहीं से आ जाता है मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो मास द्रव्यमान का विनाश होता है और ना ही द्रव्यमान का सृजन, वो कांस्टेंट रहता है, जितना पहले उतना बाद में। 12 और 10 टोटल मिलके क्या हो गया 22 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोइसियर ने दिया था 1789 में। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सेकंड क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसमें क्या कहा गया है? निश्चित अनुपात, कि जब कोई नया कंपाउंड बन रहा होता है तो उसके अंदर जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं? किसी निश्चित अनुपात में होते हैं, एक यौगिक में। ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक केमिस्ट थे, जोसेफ या जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने, इन्होंने क्या कहा था? मान लो कि दुनिया में, ब्रह्मांड में कहीं भी आप पानी बना रहे हो, क्या बना रहे हो? पानी। तो देखो आपने हाइड्रोजन कितनी ली? 2 ग्राम, एक में एक होता है ना, तो 2 में कितना हो गया? 2 ग्राम। ऑक्सीजन का एक एटम 16 लिया आपने, 16 ग्राम। आपने 16 ग्राम हाइड्रोजन ली, ऑक्सीजन ली, और 2 ग्राम हाइड्रोजन, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 बन जा 2, 2 8 जा 16, तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना आया? 1:8। कहने का मतलब दुनिया में आप कहीं भी पानी बना लो, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो या अनुपात है वो कितना रहना है? 1:8। दुनिया में आप पानी कहीं भी बना लो, जो अनुपात है वो कितना रहना है? 1:8। इसी को बोल दिया गया डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर है? तीसरा लॉ आता है, तीसरा नियम आया, और तीसरे नियम ने कहा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल मतलब कई सारे मल्टीपल गुणन अनुपात। तो इसका क्या कहना था? ये डेल्टन ने दिया था 1803 में, जॉन डाल्टन, कब दिया था? 1803 में। इनके अनुसार क्या था कि दो जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट, कोई भी दो तत्व, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर चाहे अलग अलग अनुपात में, अगर आप वो हमेशा 1:8 के अनुपात में मिलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? पानी। अब वो अनुपात बदल दें, अनुपात मान लो कैसा बना दें? वो बना दें H2O2। क्या बना दें? H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें देखो, इसमें पानी, हाइड्रोजन कितने लिए? 2, 16 × 2 = 32 कितने ली? ऑक्सीजन 2 बन जा 2, 2 से 16। अगर वो 1:16 में मिलेंगे तो क्या बनेगा? दूसरा कंपाउंड। आप पानी कहीं भी बनाओ, इनका प्रोपोर्शन डेफिनेट रहना है। आप क्या करो, प्रोपोर्शन चेंज कर दो। अब एक हाइड्रोजन के साथ कितनी ले लो? 16 ऑक्सीजन ले लो, तो 1:16 है, आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस तो जॉन के, डेल्टन के इस लॉ का कहना था कि जितना भी आप अगर दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, दो तत्व मिलकर एक से ज्यादा यौगिक बना रहे हैं, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर्स में होगा। किस में होगा? पूर्ण संख्याओं में होगा, होल नंबर्स में, जो ये अनुपात होगा। तो देखो होल नंबर्स में है, नहीं है, तो एक एलिमेंट के अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड दुनिया में कहीं भी बनाओगे रेशियो सेम रहेगा, डेफिनेट प्रोपोर्शन। और अगर आप रेशियो बदल के एक नया कंपाउंड बना रहे हो तो आप बना सकते हो, बशर्ते कि आपका जो अनुपात होना चाहिए वो स्मॉल होल नंबर्स में होना चाहिए। और इन्हीं सभी पॉइंट को लेकर श्रीमान जॉन डेल्टन ने 1808 में, 1808 में अपनी परमाणु थ्योरी दी, अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। क्या दी? परमाणु थ्योरी, परमाणु व्याख्या। इन्होंने 4-5 पॉइंट बताए, समझते रहना। पहला पॉइंट बताया
कि जो एटम होता है वो इंडिविजिबल होता है, जितने भी एलिमेंट या पदार्थ हैं वो मतलब कांट छांट नहीं की जा सकती, एटम में एटम को बांटा नहीं जा सकता और बांटा नहीं जा सकता एटम को, एटम क्या है इंडिविजिबल, किसने कहा जो परमाणु है वो इंडिविजिबल है, समझ लेना किसने कहा जॉन डाल्टन ने, और बांटा नहीं जा सकता। सेकंड पॉइंट इनका कहना था कि एक एलिमेंट सेम एलिमेंट के जो सेम तत्व जो होता है सेम एलिमेंट उसके जो एटम का मास होता है वो सिमिलर मास होता है, कैसा होता है सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर खासियत तो होती होती है एंड मास, वजन भी क्या होता है द्रव्यमान, कि समान तत्व के जो एटम होते हैं समान तत्व के जो परमाणु होते हैं उनका खासियत तो सेम सेम होती है, उनका द्रव्यमान भी क्या होता है समान होता है, जैसे ऑक्सीजन के हर एक का समान द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होगा ऑक्सीजन के हर एक एटम का वो अलग होगा मतलब सेम होगा, हाइड्रोजन के अंदर के जो एटम है उन सबका अगर 10 है तो 10 का एक जैसा ही होगा। तीसरा इनका पॉइंट जो था वो कहना था कि जो कंबाइन होते हैं ये फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, किसमें कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में निश्चित अनुपात में, तो अभी हमने एक लॉ पढ़ा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था, तो वो भी इसके अंदर आ जा रहा है, इसमें इंडिविजुअल वाली बात फिक्स रेशियो में कंबाइन होती है ये बात भी आ जा रही है। नेक्स्ट इनका कहना था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इनमें सिर्फ एटम रीअरेंज होते हैं, क्या होते हैं अपने आप को रीअरेंज करते हैं, एटम कभी भी चेंज नहीं होते, ना तो नए बनते हैं ना इधर क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय, नॉर डेस्ट्रॉय क्या कहने का मतलब कि एटम जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें एटम सिर्फ एक दूसरे को जो परमाणु होते हैं वो रीअरेंज कर लेते हैं व्यवस्थित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, ना तो नए बनते हैं और ना ही पुराने खत्म होते हैं। तो कहने का मतलब इनके जो चार पांच पॉइंट थे उसके अनुसार इन्होंने देखो डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आ गया साथ साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी, तो जो जॉन डेल्टन की थ्योरी थी उसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ गए थे, मास का संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण आ गया था और साथ साथ निश्चित अनुपात लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी आ गया था। लेकिन अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हुई तो इनकी जो ये थ्योरी थी ये हो गई फेल हो गई, तो फेल होने के कुछ कारण थे, सबसे पहला तो ये इंडिविजिबल वाला, इन्होंने क्या बताया था और नहीं काटा छाटा जा सकता, बाद में 1886 में प्रोटीन 1897 में इलेक्ट्रॉन जब इनकी खोज हुई तो पता चल गया कि एटम डिविजिबल है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में, तो इनका ये पहला पॉइंट खराब हो गया, निश्चित रेशियो वाला ठीक था। सेकंड पॉइंट जो इन्होंने कहा कि सेम मास होता है तो इन्होंने आइसोटोप की कोई बात ही नहीं की थी, आइसोटोप मतलब समस्थानिक, आपको पता है सेम एलिमेंट होते हैं जैसे कार्बन 12 कार्बन 13 और कार्बन 14 है, ये सब सेम एलिमेंट है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसका मास ज्यादा है इसका मास और ज्यादा है इसका मास सबसे ज्यादा है, तो कहने का मतलब सेम एलिमेंट के एटम का मास भी क्या करता है अलग अलग हो सकता है, इनका सेकंड पॉइंट भी क्या हो गया बेकार। तो इस दो तीन पॉइंट की वजह से इनकी थ्योरी होगी फेल, और आज जो आप थ्योरी पढ़ते हो एटम के बारे में उसे हम बोलते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम, क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम। इसमें क्या कहा जाता है कि जब एटम एक से दूसरी जगह में अपनी ऊर्जा लेते या देते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तरह विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में, और एक किसके द्वारा फोटोन के द्वारा, फोटोन छोड़ के वो ऊर्जा देते हैं और फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है HV, प्लैंक्स इक्वेशन जो थी, ठीक है वी माने फ्रीक्वेंसी, वी माने HF भी कह सकते हो इसको फ्रीक्वेंसी। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि एटॉमिक थ्योरी क्यों फेल हुई, क्योंकि बाद में पता चला ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बट सकता है, उसके बाद में पता चला कि भाई इनका आइसोटोप की तो इसने कोई बात ही नहीं की थी, जिनका मास अलग अलग होता है, तो इस तरीके से क्या हो गई फेल हो गई। तो वहीं से आ जाते हैं हम आगे,
छोटी छोटी चीजें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से लाया गया था। टीवी की जो पीछे की पुराने जमाने की होती थी सीआरटी ट्यूब होती थी, किसने? जे जे थॉम्सन 1897, याद है ना। चार्ज कितना होता है? 1.6 × −19 कूलाम। वजन कितना होता है? 9.1 × 10⁻³⁰ केजी। इसका जो चार्ज है वो इतना चार्ज किसने ढूंढा था? आर ए मिलिकेन नाम के साइंटिस्ट थे। उनका एक एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसके अनुसार इन्होंने इसका चार्ज या आवेश पता लगाया था। उसके बाद में आ जाता है प्रोटॉन। आपको पता है इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻²⁷ केजी। ग्राम में करोगे तो −24, उसको ग्राम में करोगे तो −19 कूलाम चार्ज, जो चार्ज होता है आवेश। जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। खोजा किसने था? ई गोल्डस्टीन। लड़ना मत इस बात पे, नाम दिया था इसका, नामकरण जो किया है वो रदरफोर्ड ने किया है बहुत बाद में आके। इन्होंने 1886 में खोज दिया था और रदरफोर्ड ने उसका नाम किया 1919 में लगभग। ठीक है, चार्ज मास सब कुछ हो गया। न्यूट्रॉन, इसका मास जो होता है वो लगभग थोड़ा सा, अगर मान लो ये 2.6 है तो ये 5.6 हो जाता है, मतलब इसका जो मास है वो थोड़ा इससे ज्यादा होता है, प्रोटॉन से ज्यादा। लेकिन इस पे चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। और इसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने। कब? 1932 में। इसके अलावा जो फंडामेंटल और भी छोटे छोटे बोसोन, क्वार्क, लेप्टॉन्स, ये सब पाई मीसोन वगैरह, ये मैं एक फिजिक्स की क्लास में भी बताया हूं। बताने इसलिए था क्योंकि उसके अलावा आपको पता है कि जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कहां रहते हैं? न्यूक्लियस में। और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये रदरफोर्ड ने ही किया था 1911 में, और इसको बोला जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसके द्वारा इन्होंने किसका पता लगाया था? इसके द्वारा इन्होंने पता लगाया था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में कोई चीज होती है जो पॉजिटिव चार्ज होती है, जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्योंकि जब इन्होंने अल्फा किरणें भेजी तो जो अल्फा होती हैं, ये हीलियम एटम मान लो, हीलियम में से अल्फा किरणें निकलती हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर जब हमने हीलियम एटम डाला तो कुछ पॉजिटिव से पॉजिटिव टकरा के वापस आ गई, तो बीच में एक बहुत छोटी सी जगह एटम के जिसका जो रेडियस है वो पूरे एटम के मुकाबले बहुत ही छोटा है, बाकी एटम कैसा है? खाली। और उसे उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज किसने की है? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, ये भी किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। कौन से एक्सपेरिमेंट द्वारा? अल्फा एक्सपेरिमेंट। ये आपके सामने एक इमेज आ रही है, इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या सोचा था कि अल्फा पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, दिख रहा है ना आपको, एक्सपेक्ट किया था। लेकिन जैसे ही बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव। उसके ऊपर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो चार्ज जीरो होता है, तो प्रोटॉन की वजह से। तो क्या हुआ? एक्चुअल रिजल्ट जो था वो क्या हो गया कि कुछ लाखों में से कुछ अल्फा पार्टिकल वापस आ गए या टकरा के इधर उधर चले गए। तो ये समझ गए कि बीच में कोई पॉजिटिव नाम की जगह है, जिसे इन्होंने नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? न्यूक्लियस नाम दे दिया। क्लियर आ गई समझ में? प्रोटॉन गोल्डस्टीन, नाम रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन जेजे थॉम्सन इलेक्ट्रिसिटी थॉम्सन प्रेस, न्यूट्रॉन चैडविक। चलिए, ये बहुत कई कई बार लिखोगे तो मेरी तरह ऐसे ही याद हो जाएंगे, मुझे भी याद नहीं था तो मैं पढ़ाते पढ़ाते कर लिया, ठीक है, सच बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है? अब आ जाते हैं हमारे एटॉमिक नंबर और नहीं, पहले देख लेते हैं। इससे पहले क्या था कि जब थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो उन्होंने 1904 में एक मॉडल दिया था कि अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास है, प्रोटॉन भी हमारे पास है, न्यूट्रॉन भी हमारे पास है, तो अब ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते कहां हैं। तो उन्होंने क्या दिया? एक थॉम्सन मॉडल दिया। क्या दिया? सर एक वॉटरमेलन, तरबूज दिख रहा होगा आपको, तरबूज को लगा लो। तो थॉम्सन मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि जो ये होता है आपका
जो ये पूरा का पूरा जब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं हो पाई थी, क्योंकि इन्होंने 1904 में दिया था और न्यूट्रॉन कब खोजा गया है 1932 में। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्फीयर है, मान लो एक गोला है और गोला कैसा है, प्रोटॉन का बना हुआ, पॉजिटिव चार्ज, और इस गोले के अंदर माइनस कैसे हैं, जैसे तरबूजे में उसके बीज, केक के ऊपर पुडिंग या किसी और चीज के ऊपर, और यहीं से नाम आ गया इसका, इसे क्रिसमस पुडिंग कह देते हैं। क्रिसमस केक के ऊपर नहीं आती है, जो हम मान लो मेवा डाल देते हैं किसी चीज के ऊपर, गाजर के हलवे के ऊपर जो हम लगा देते हैं, इसे आप क्रिसमस पुडिंग कह सकते हो, वाटरमेलन तरबूज का मॉडल कह सकते हो, क्योंकि इसमें वाटरमेलन जैसे ही दिखाया गया आपके सामने एक इमेज आई होगी। आप इसे प्लम पुडिंग भी कह सकते हो, तीन चार नाम हो जाते हैं इसके, प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें क्या था कि ये स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जैसे वाटरमेलन में दाने। तो क्या देखा गया कि भाई ये गलत है, क्योंकि अगर माइनस और प्लस मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। एटम स्टेबल कैसे होगा, एटम एग्जिस्ट कैसे करेगा, और इसी बात पे थॉमसन मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। थॉमसन मॉडल क्या हो गया, फेल। एक बार बताओ कितनों को समझ में आ रही है, कितनों को समझ में नहीं आ रही है। ऐसा तो मैं कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहा, सिंपल चीजों को लेके चला हूं। पहले मोल निकालने सिखाए, फिर कुछ फॉर्मूले में से मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया, उसके बाद में भैया मैंने मिक्सचर को कैसे अलग अलग करते हैं ये सिखाया, उसके बाद में आ गया मैं मॉडल्स पे कि किसने क्या एक्सपेरिमेंट किए और कितने आसानी से चीजों को बता रहे हैं। फटाफट मुझे बताओ, नहीं तो मैं यहीं पे बंद करता हूं, वरना मेरा मन है कि मैं कम से कम आइसोटोप क्लियर करूं कि आइसोटोप वगैरह क्या होती है ये, फिर आपसे क्वेश्चन करवाऊं। तुम कर रहे हो हद, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, दोगे चैट पे ध्यान तो कैसे समझ में आएगा भाई, सोचो ना थोड़ा सा, पढ़े तो कि तू कहां से आया है, तू कहां से आई है, इन चक्करों में पढ़ तो रही नहीं हो जरा भी। धीरे धीरे भी चल रहा हूं, धीरे धीरे चलने में तो एक घंटे को मैंने दो घंटे कर दिए। मैं क्या कह रहा हूं बाबू कि सबने अपने अपने, किसी ने इलेक्ट्रॉन खोजा, किसी ने प्रोटॉन खोजा। आपको बताएं थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों खोजे जा चुके थे, इलेक्ट्रॉन 1897 में, ये 1886 में। तो इन्होंने 1904 में एक मॉडल बताया कि भाई एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, उनसे मिलके एटम बनता है। क्वेश्चन आता है कि अब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि एटम एक पॉजिटिव है, एक धनात्मक क्या है, एक पूरा गोला है, जैसे कि होता है हमारा तरबूज। अब तरबूज के अंदर जैसे बीज होते हैं उसके अंदर धसे हुए, उसके अंदर फंसे हुए, इसी तरह इन्होंने कहा कि तरबूज के अंदर प्रोटॉन के अंदर क्या फंसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस तो काट के एक दूसरे को जीरो बना लेंगे। तो इन्होंने कहा भैया एटम स्टेबल कैसे रहेगा, एटम स्थाई कैसे रहेगा, तो स्थायित्व ये बता नहीं पाए, इसलिए थॉमसन मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। इनके बेसिस पे जब थॉमसन मॉडल फेल हो गया, कोई बात नहीं, समय बढ़ता गया बढ़ता गया। समय कौन सी साल आ गई, 1911। 1911 में क्या काम हुआ, 1911 में न्यूक्लियस की खोज भी हो गई। 1911 में किसकी खोज हो गई, न्यूक्लियस की, केंद्रक की या नाभिक की, और नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया 1911 में, जिसे हमने क्या दिया, नाम दिया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि एक एटम होता है गोल, एटम के अंदर एक बीच में हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
प्रोटॉन पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब ना तो इन्होंने ये बताया कि एटम निश्चित डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं, निश्चित कक्षा में या कहां घूमते हैं, ये इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए। अब इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने एनर्जी फिक्स नहीं की, तो आप जानते हो जब कोई भी चीज घूमती है, कोई भी चीज क्या करती है, घूमती है, तो उसको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए नहीं चाहिए, तो जब इसे सेंट्रीपिटल त्वरण चाहिए, अपकेंद्रीय त्वरण चाहिए, तो ये अपनी घूमते घूमते धीरे धीरे एनर्जी क्या कर देगा, लॉस, और एनर्जी लॉस करते हुए ये इलेक्ट्रॉन एक दिन किस में आ गिरेगा, न्यूक्लियस में आ गिरेगा। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। जब ये एक दूसरे में आ गिरेगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्टेबल कैसे रह पाएगा। तो थॉमसन भी स्टेबिलिटी या स्थाई कैसे रहेगा एटम, इसके बारे में नहीं बता पाए, और थॉमसन मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। थॉमसन मॉडल भी फेल हो गया, ये सॉरी रदरफोर्ड मॉडल भी फेल हो गया। इस तरीके का था रदरफोर्ड मॉडल, ये भी नहीं बता पाए कि किस तरीके से घूमते हैं। तो आपका जो रदरफोर्ड मॉडल है ये भी साथियों क्या हो गया, फेल हो गया। जब रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया, आगे बढ़ते रहे, तब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था, नील्स बोर। और नील्स बोर ने प्लांक का जो कॉन्सेप्ट था उसका इस्तेमाल करके 1913 में अपना दिया, और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, नील्स बोर मॉडल, जिसे क्या कहते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, बोर, बोर परमाणु मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांक्स कांस्टेंट का यूज किया, जो प्लांक थे ना जिनका ये था इक्वल टू एच एफ या फ्रीक्वेंसी या एच वी, इसको आप एच वी भी कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी। इसके अनुसार उन्होंने क्या किया कि जो एटम होता है वो गोल है, बिल्कुल सही बात है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं, किसमें घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, और इन ऑर्बिट की एनर्जी होती है, इन ऑर्बिट की क्या होती है, एनर्जी। बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन किसमें घूमते हैं, इन फिक्स ऑर्बिट या इन फिक्स कक्षाओं में, और इन फिक्स जो कक्षा होती है इनकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। इन्होंने क्या किया, जो पहली कक्षा उसको वन मान लिया, दूसरी को दो, तीसरी को तीन, चौथी को चार, और ऐसे आगे बढ़ते रहो ज्यादा ज्यादा, जो जितनी दूर होगी उतनी क्या होगी, हाई एनर्जी। जो कक्षा जितनी दूर होगी इसके इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हाई एनर्जी या उच्च ऊर्जा। और जब ये चार से तीन में या तीन से दो में या दो से एक में आएगा तो ऊर्जा को क्या करेगा, एमिट करेगा या उत्सर्जित करेगा। जब ऊर्जा है हाई से लो की तरफ आएगा, क्योंकि इस वाले की क्या होगी, सबसे लोअर एनर्जी होगी, कम ऊर्जा होगी, तो जब कोई चीज हाई से लो आएगी बच्चा तो क्या करेगी, अपनी ऊर्जा को एमिट करेगी। और अगर आप इसको लो से हाई में पहुंचाओगे तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या अधिशोषण करेगा। तो अधिशोषण या एब्जॉर्ब करके ये हाई स्टेट में चला जाएगा लो में। इसी से मैंने आपको क्या बताई थी, फॉस्फोरेंस, याद है, प्रतिदीप्ति, कि जब आप स्टिमुलेटेड एमिशन, ये सब समझाए थे कि जैसे ही आप किसी पे फोटोन डालते हो तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से कहां चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल पे, और जब वापस आता है अपनी, क्योंकि सब लो एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो ये उस ऊर्जा को फोटोन के रूप में दे देता है, याद है ना सब। तो यही मॉडल था, ये मॉडल भी थोड़ा सा क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होने के दो कारण थे, फेल होने के दो कारण थे। एक कारण तो ये भी नहीं बता पाया, इसे यही नहीं पता चल पाया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव भी होता है। जब तक वेव नेचर या इलेक्ट्रॉन का जो तरंग वाला, आपको पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरंग भी होती है और पार्टिकल भी होता है, दोनों तरह का कणों का नेचर होता है, कण भी और तरंग भी, पार्टिकल और वेव, ड्यूल नेचर, तो तब तक इन्हें यही नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है। जब इन्हें इलेक्ट्रॉन वेव की तरह नहीं पता था तो इलेक्ट्रॉन की जो वेव करेक्टरिस्टिक होती है, देखो इन्हें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। जब इन्हें यही नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है तो ये बता ही नहीं पाए
अच्छे से, जब अच्छे से नहीं बता पाए तरंग के बारे में तो ये फेल हो गया। दूसरा फेल होने का कारण था जीमेन इफेक्ट। क्या होता है जीमेन इफेक्ट? इसको समझ लो, जीमेन प्रभाव। जब किसी एटम को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, किसमें रखते हो, चुंबकीय क्षेत्र में, तो भैया ये जो इसकी फील्ड लाइंस होती हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं। किसमें हो जाती है? एक किसमें बढ़ जाएगी, तीन चार में। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं, ये क्या हो जाएंगी, कई सारी लाइंस में और में बढ़ जाएंगी। कहां पे रखने पे? मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। ये बोर का एटॉमिक मॉडल है और ये जीमेन इफेक्ट है। शॉर्ट करके लगा दिए सर। एक लाइन किस में बट गई है? तीन लाइनों में। एक आपने क्या दिया, जीमेन इफेक्ट में आपने 4680 एंगस्ट्रॉम की कोई लाइट दी, तरंग धैर्य है, विजिबल है, क्योंकि आपको पता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम विजिबल लाइट होती है, तो वो किस में बट गई? तीन में बट गई। स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो गई। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर। इसे क्या कहते हैं? जीमेन इफेक्ट। और दूसरा होता है स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव में किसमें रखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र में रखने पर बटती हैं, तो विद्युत क्षेत्र में बटने पर स्टार्क और मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जीमेन। इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअल में स्पिन भी होता है। इसके साथ क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है +1/2 -1/2, आगे कभी हायर क्लास में पढ़ाओ, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, रोटेट करता है, घूमता रहता है, और रोटेट करने में उसकी जो स्पिन की क्षमता होती है वो +1/2 -1/2। बोर को पता ही नहीं था, इसलिए जीमेन और इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो आज का जो मॉडल है वो तो क्वांटम मॉडल है, इसी के बेसिस पर है। बस बोर के मॉडल में उन्होंने क्या जोड़ दिया, चार चीजों को जोड़ दिया कि भैया अगर शेल होती है, इनको शेल बोल दिया, एन को क्या बोला गया, शेल, जिसे हम किससे दिखाते हैं, के एल एम एन से। इसके साथ कक्षा, इसके साथ उपकक्षा बना दी, जिन्हें क्या कहा गया, सब शेल। क्या कहा गया? सब शेल। अभी बेटा सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं जान लगा के, जब एक एक घंटे की टाइम बढ़ जाएगा ना 9 से 10, फिर आपको पता चलेगा सिलेबस नहीं होगा। मैं कोई मशीन नहीं हूं कि मैं हवा में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। जो बेकार से सिलेबस कराना मेरे बस की नहीं है। तो जो एक घंटा तुमने रट लगा रखी है ना, मैं कोई पागल नहीं हूं दिमाग से कि मुझे शौक है 2-3 घंटे पढ़ाने का बच्चा। बस तुम लोगों के लिए मिला, जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विवेक, उतना अच्छा तो रिवीजन करा देगा इन्हें। इन्हें इतना मजबूत कर दे इस बार कि पीछे मुड़के ना देखें किसी चीज के लिए। पढ़ने की पढ़ा रहा हूं तो कह रहे हो अरे समझ में नहीं आ रहा, क्यों कर रहे हो ऐसा, थोड़ी कोशिश करो साथी, थोड़ी कोशिश। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मानते तो हो नहीं। एक क्या जोड़ दिया इन्होंने, सब सेल, कि उसके साथ ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, कुछ खास कक्षा उपकक्षा हो सकती है, और उनको नाम क्या दिया, SPDF। फिर इसके साथ इन्होंने एक मैग्नेटिक नंबर जोड़ दिया, चुंबकीय क्षमता, इसको बाद में बता दूंगा आपको, एक चुंबकीय क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर कहते हैं इनको, क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या जोड़ दी गई किसके साथ, एटम के साथ, और तब इसको हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां होता है। दूसरा स्पिन, इतना ज्यादा भी दिमाग में मत लो, ये तो मैं अभी बता रहा हूं, इसको बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताऊंगा। अब आ जाते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, फिर करेंगे वो, सॉरी एटॉमिक नंबर, ये सब क्या होते हैं। तो लिख लीजिए सबसे पहले एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, क्वेश्चन करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सब बेस है, कुछ थोड़ी सी नॉलेज भी ले लो, वरना फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपना पुराना तरीका कि भैया जो इंपॉर्टेंट है उसे करा दे खत्म, वो मैं नहीं चाहता। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं कब, अगर एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। अगर एटम कैसा होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, तो बच्चा याद रखना जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन का 6,
एटॉमिक नंबर को जेड से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, जेड से, जेड परमाणु क्रमांक किससे दिखाते हैं, जेड से, जितने प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या को, आप सिर्फ प्रोटॉन का याद रखो, जैसे मैंने लिखा कार्बन 6, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं, मैंने लिखा ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8। ये ही हेनरी मोजले नाम के एक वैज्ञानिक थे, याद है, जिन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी आवर्त सारणी, उसमें क्या थी बच्चा, उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर एटम एलिमेंट को लगाया था, और हेनरी मोजले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसका इस्तेमाल किया, एटॉमिक नंबर का। और आज की जो हमारी पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, वो किसके बेसिस पर बटी हुई है, एटॉमिक क्रमांक, पहला दूसरा तीसरा, इसीलिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन इस तरीके से सीधे क्रम में लगे हुए हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे। तो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में बराबर होते हैं, न्यूट्रल मतलब इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, अब जैसे इसमें भी 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अब बच्चा मैंने ऐसे कह दिया O2 नेगेटिव, मैंने इस पे क्या लगा दिया बाबू 2 नेगेटिव, आपको पता है सोडियम में 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने क्या कर दिया Na पॉजिटिव 11, ठीक है, मैंने क्या कर दिया Na पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देते लेते क्या है सिर्फ इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन थे एक दे दिया, और देने पे जब आप किसी को कर्ज दे देते हो तो आप पॉजिटिव हो जाते हो वैसे भी, क्योंकि आपके पास प्रोटॉन कितने रह गए 11, एक देने पर इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो Na पर कैसा आ गया पॉजिटिव, जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं बच्चा, कैटायन या धनायन, क्लियर है, ऑक्सीजन है भैया, एक ऑक्सीजन को क्या होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो चाहिए, इसने किसी से दो ले लिए, तो दो लेने पे इसके पास क्या हो गए, प्रोटॉन तो 8 ही रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, क्योंकि 8 तो पहले से थे, दो इसने और ले लिए तो क्या हो गए इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, तो इसके पास चार्ज कैसा आ गया नेगेटिव, इसको क्या बोला जाता है एनायन, ऋणायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऋणायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव वो धनायन, जिसे इंग्लिश में कैटायन और एनायन। तो अब देखो यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, 11, 10, 8, 10, तो न्यूट्रल में तो बराबर रहेंगे लेकिन कैटायन और एनायन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं रहेंगे, जो आयन होते हैं आईओएन आयन में अलग अलग रहेंगे, जैसे कैटायन में प्रोटॉन ज्यादा होंगे और एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एंटी आयन, क्लियर है सब, एटॉमिक नंबर, देन आ जाता है मास नंबर, मास द्रव्यमान क्रमांक, मास नंबर को क्या कहेंगे हिंदी में, द्रव्यमान क्रमांक, इसमें क्या होता है इसे दिखाते हैं ए से, और अगर एलिमेंट ए से दिखाते हैं इसमें क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसे आप नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब जितनी भी चीजें एक नाभिक के अंदर रहती हैं, परमाणु न्यूक्लियस के अंदर होती हैं, एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर, उसमें क्या क्या होता है प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, तो इसलिए हम इसे न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं मास नंबर या द्रव्यमान संख्या को। जैसे कार्बन का लिखा मैंने 6, 12, तो यह क्या हो जाता है बच्चा मास नंबर, यह क्या हो जाता है एटॉमिक नंबर। अब यहां से समझना, एटॉमिक या मैं कहूं परमाणु क्रमांक, परमाणु माने पी, पैसे क्या होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या, ये क्या है मेरे पास प्रोटॉन की संख्या, इसमें क्या है प्रोटॉन भी है और क्या है न्यूट्रॉन भी है, समझना, इसमें प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है। अब मान लो प्रोटॉन कितने बच्चा 6, प्रोटॉन कितने 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है प्रोटीन परमाणु क्रमांक। अब मुझे किसी ने पूछा न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो मुझे पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं 12, दोनों मिलके कितने हैं 12, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और सिर्फ प्रोटॉन कितने हैं 6, तो ये प्लस है धरा के क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 में से 6 गए तो मेरे पास न्यूट्रॉन भी कितने आ गए 6। तो याद रखिएगा
आप इन दोनों का इस्तेमाल करके कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन होंगे इसका इसको निकाल सकते हैं। एलिमेंट को एक्स से दिखाते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है वो हमेशा नीचे आता है और जो मास नंबर होता है वो हमेशा ऊपर आता है। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ए आपको यहां भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेड माने एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और ए माने मास नंबर, जिसमें प्रोटॉन भी आते हैं और न्यूट्रॉन भी आते हैं। तो अगर आपको कहीं भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए आ जाए तो याद रखना ये इसमें दोनों शामिल होते हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। प्रोटॉन हमें दिए गए हैं, प्रोटॉन को घटा दो तो क्या आ जाए आपके पास, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? चलिए देन आ जाता है आइसोटोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छोड़ देना कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन गारंटी बता रहा हूं आज के टॉपिक में से आएगा, ना आए तो पढ़ाना बंद कर देंगे। एक क्वेश्चन आने ही आना है, जितनी देर हमने पढ़ा है 30 में एक भी आ गई बड़ी बात है, देख लेना। आइसोटोप जिसे क्या कहते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं, इसमें लिख लो समान एलिमेंट, समान तत्व। तत्व कैसा होता है, सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। समान परमाणु क्रमांक, डिफरेंट मास नंबर। समान परमाणु क्रमांक कैसा होता है इनका, समान, लेकिन मास नंबर कैसा होता है इनका, द्रव्यमान संख्या ये होती है असमान, असमान। क्या अलग अलग हो जाता है भाई, एटॉमिक नंबर सेम है तो मतलब सब में प्रोटॉन तो बराबर होंगे, प्रोटॉन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। सर दिख रहा है इसमें मार्कर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, एक सेकंड बच्चा मार्कर भर लूं। भाई देखो क्या हो रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक समान है तो प्रोटॉन में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, प्रोटॉन तो सब एक जैसे हैं, लेकिन फिर बदला क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या। क्या बदला है, न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, यहां पे 12, यहां पे 13, यहां पे 14, तो यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 में से 6 गए 6, यहां पे न्यूट्रॉन कितने हैं 6, 13 में से 6 गए न्यूट्रॉन कितने हो गए 7, 14 में से 6 गए न्यूट्रॉन कितने हो गए 8, कहीं पे 8, कहीं पे 7, कहीं पे 6। तो मास नंबर 12, 13, 14, तो द्रव्यमान संख्या अलग हो गई, एलिमेंट सेम है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो कहने का मतलब ऐसे रूप इनके केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक जैसी, बस कुछ फिजिकल गुण अलग अलग होते हैं। जैसे ये कैसी होती है, रेडियो एक्टिव, जल्दी डिकम्पोज हो जाती है, रेडियो धर्मी होती है। तो जब बच्चा प्रोटॉन समान हो और न्यूट्रॉन अलग अलग होने से यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होती है हाइड्रोजन की, जिसे ट्रिटियम बोलते हैं। बाकी एक ऐसा एलिमेंट है हाइड्रोजन जिसके आइसोटोप के नाम भी अलग अलग होते हैं, इसे ट्रिटियम, इसे ड्यूटेरियम, इसे हाइड्रोजन सिंपल बोलते हैं ना, या इसे प्रोटियम बोलते हैं क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होता है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। ये कैसी होती है, रेडियो एक्टिव, ट्रिटियम ड्यूटेरियम प्रोटियम। तो इसका मतलब ये सब क्या होती हैं, आइसोटोप होती हैं। इनके बहुत ज्यादा काम होते हैं, वो मैं भी आपको एक वो दिखा रहा हूं। ये सर आइसोटोप यूजेस 1 होगा, इसमें यूज ऑफ आइसोटोप 1। ये वाला इसको लगा दीजिए बेटा, देखो इसको लिखते चलो फटाफट फटाफट, इंग्लिश में है मैं इसे हिंदी में बता रहा हूं कि कुछ जो आइसोटोप होती हैं वो रेडियो एक्टिव होती हैं, रेडियोधर्मी, जिनके अंदर से अल्फा बीटा गामा विकिरण निकलता है, रेडिएशन निकलती हैं। कुछ हार्मफुल होती हैं ज्यादा मात्रा में आ जाएं, कुछ कम मात्रा में आती हैं तो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। नंबर एक, सर लगाओ तो सही, सब लगनी है जितनी भी दिख रही हैं। कोबाल्ट 60, मुझे भी तो दिखना चाहिए, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। कोबाल्ट 60
तो जो कोबाल्ट 60 है इसमें रेडिएशन थेरेपी कैंसर को ठीक करने के लिए, लिखते रहो फटाफट, कोबाल्ट 60 का काम क्या होता है, रेडिएशन को ठीक करने के लिए। आयोडीन 131 काम क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर, कार्डियक लिवर, और बच्चा हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है गला, गले के कैंसर को ठीक करने के लिए, गले के कैंसर का पता लगाने के लिए थायराइड ग्रंथि हमारी सही से काम कर रही है उसके लिए। कार्बन 14 डायबिटीज अनीमिया, और आपको पता है कार्बन 14 का एक और काम होता है रेडियो कार्बन डेटिंग, पुरानी हड्डी वगैरह का वो लगाने के लिए, पता लगाने के लिए कि कितनी उम्र है। सोडियम का ब्लड सर्कुलेट हो रहा है नहीं हो रहा, थैलियम हार्ट में कितनी डैमेज हुई है ट्यूमर का डिटेक्शन के लिए। एक है टेक्निटियम, ये ब्रेन ट्यूमर, हार्ट सेल और ब्लड फ्लो की स्टडी के लिए, इनको लिख लेना बाद में अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट अमेरिकियम, ये जो रोलिंग स्टील और पेपर होती है ना इसमें, या ऑयल वेल वगैरह, ऑयल वेल वगैरह की लोकेशन कहां पे तेल के कुएं हैं, तो अमेरिका तेल वहां से समझ लेना अमेरिकियम 241। सोडियम का फिर से पाम काम आ जाता है, पाइप में कोई लीक वगैरह हो जाती है। इरिडियम बॉयलर और एयरक्राफ्ट के पार्ट होते हैं, वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कहीं टूट फूट तो नहीं है, इरिडियम 192। यूरेनियम आपको पता है न्यूक्लियर पावर बनती है, परमाणु से बिजली बनती है, और साथ साथ और भी फ्लोरोसेंट ग्लास वेयर, जो ग्लास के बर्तन होते हैं जिनमें चमक आती है, या वॉल की टाइल्स जो होती हैं उसमें भी बहुत कम अमाउंट में। कैलिफोर्नियम मॉइस्चर कितना है सॉइल के अंदर, ये रोड वगैरह के बनाने का बहुत काम आता है कैलिफोर्नियम, जो रोड वगैरह बनती हैं कि मॉइस्चर कितना है सॉइल में, ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो रोड सही नहीं होती। नेक्स्ट कार्बन 14 आपको पता है कार्बन डेटिंग के काम आती है, अभी मैंने बताया तो उम्र पता करने के लिए, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। 32-33 फॉस्फोरस बायोलॉजी और जेनेटिक्स, सेलेनियम 75 लाइफ साइंसेज में प्रोटीन के लिए, इतने एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे आपको। स्ट्रोंटियम बोन कैसे बनती है उसकी स्टडी करने के लिए। हाइड्रोजन 3 ये ड्रग का मेटाबॉलिज्म, साथ साथ परमाणु बम में भी, एक चौथा होगा सर नीचे, फोर्थ है सर ऊपर कीजिए, एक ग्रीन ग्रीन सी है ना इधर, हाँ ये तो मैंने अभी आपको बताया, इसमें भी कुछ हैं, कोबाल्ट 60 तो अभी बताया, रेडियोथेरेपी आजकल स्टेरिलाइजिंग के लिए ज्यादा काम आता है। स्टेरिलाइजिंग का मतलब समझते हैं, जो ऑपरेशन में वो टूल्स यूज करते हैं ना डॉक्टर, कैंची वगैरह, उनको बैक्टीरिया मारने के लिए। एक अर्बियम होता है, ये आर्थराइटिस पेन जो होता है जॉइंट में उसको हटाने के लिए। एक हारमोनियम होता है, ये डायग्नोस्टिक लिवर ट्यूमर के लिए बनाया जा रहा है। आयोडीन 125 ये किडनी वगैरह के ठीक करने के काम आता है, हार्मोन की क्वांटिटी, और 131 जो होता है आयोडीन का वो थायराइड कैंसर के। इनके क्वेश्चन कराऊंगा ना, नहीं बताया तुमने तब बताऊंगा मैं तुम्हें सबको। तो ये हो गई आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर अलग, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग। नेक्स्ट आ जाती है आइसोबार, बस 5 मिनट फिर क्वेश्चन। आइसोबार्स, आइसोबार संभारिक, समभारिक आइसोबार, भार मतलब सम माने एक जैसा भार, मतलब इनका मॉलिक्यूलर नंबर जो होता है, मास नंबर जो होता है वो एक जैसा होता है, मास नंबर सेम, द्रव्यमान संख्या समान होती है, भार की बात द्रव्यमान में आई थी ना, द्रव्यमान समान, और परमाणु क्रमांक डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, परमाणु क्रमांक असमान, परमाणु क्रमांक असमान। जैसे एग्जांपल है, जैसे सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टोन, सॉरी पोटेशियम, कैल्शियम, देखो इन सबका मास नंबर कितना है, 40 है, सबका कितना है 40, देख लो, इसका भी मास नंबर 40, इसका भी 40, इसका भी 40, इसका भी 40 और इसका भी 40, इसका भी क्या है 40। तो अगर मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग है,
इसलिए सब अलग अलग एलिमेंट है, उसे क्या कहते हैं आइसोबार, समभारिक, बार माने भार, समभारिक। नेक्स्ट आ जाता है आइसोटोन, आइसोटोन बस दो तीन रह गए हैं। आइसोबार मतलब जिनका भार समान होता है, मास समान होता है, मास नंबर सेम होता है, जैसे कैल्शियम इन सब में सल्फर से लेके कैल्शियम तक सबका कितना दिखाया जा रहा है 40। देना जाती है आइसोटोन, आइसोटोन, आइसोटोन जो होती हैं इन्हें बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक, इसमें न्यूट्रॉन एक जैसे होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान। कैसे, एग्जांपल से भी बता दे रहा हूं, जैसे फास्फोरस 15-31, सल्फर 14-30, 11 में से 5 गए 6, 2 में से 1 गए, कितने न्यूट्रॉन आ गए 16 आ गए, इसमें भी कितने न्यूट्रॉन आ गए 16, तो ये दोनों कैसी हो गई सम आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। और एग्जांपल ले लो सोडियम 11-23, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर, इसमें भी न्यूट्रॉन कितने 24 में से 12 गए, 12-23 में से 11 गए, इसमें भी न्यूट्रॉन कितने हैं 12, ये भी दोनों कैसी होगी आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। उसके अलावा वेनेडियम और क्रोमियम देखो, इनमें माइनस करोगे तो कितना आएगा न्यूट्रॉन 28, ये भी क्या हो गए आइसो न्यूट्रॉनिक, सम आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या। और आज का एंड सर, क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, सारे क्वेश्चन लगने हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बराबर, कैसे देखो सोडियम प्लस, सोडियम में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं 11, एक दे दिया तो कितने बचे, इसमें भी 10, इसी तरह फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास होते हैं 9, एक ले लिया कितने हो गए 10, इसके पास देखो माइनस मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 इलेक्ट्रॉन, एक माइनस का मतलब एक किसी से लिया उधार, तो टोटल कितने हो गए 10, सोडियम के होते हैं 11, एक दे दिया तो कितने बचे 10, समझ लेना। इसी तरह मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास होते हैं 12, इसने 2 दे दिए किसी को, 12 में से 2 गए कितने आ गए 10, तो इसका मतलब ये सब कैसे हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से बता रहा हूं बाबू, हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, पूरा एटॉमिक मॉडल, पूरा क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां रहते हैं, किसने क्या बताया, मिक्सचर कैसे अलग अलग करते हैं, एलिमेंट कंपाउंड, दुनिया भर की चीजें। हालांकि और भी कुछ करना था एसिड बेस का, लेकिन वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों में से कुछ लोग मस्ती मारने आए हो, बहुत मैं देख रहा हूं, कोई बात नहीं, तो क्योंकि ये सब क्लास है फ्री की है, पैसे नहीं होते, तो कुछ लोग जो पढ़ने आए उन्हें भी प्रॉब्लम आती है, वो भी नहीं पढ़ने देता उन्हें कोई, पर तुम लोग पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से परेशान मत हो, मैं हूं, आई विल हैंडल, मैं कर लूंगा चीजों को, बता दूंगा। कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कल का अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन बताते रहिए और साथ साथ स्कोर भी बताना है, और कल का जो काम है, कल का काम होगा आप लोगों के लिए क्या दूं, केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाँ, रासायनिक अभिक्रिया, एसिड बेस सब करेंगे, 2 हो गए, तीसरा टॉपिक हम करेंगे कांच ग्लास कितने टाइप के होते हैं, और टाइम बच गया तो और अयस्क कौन सा किससे निकलता है, कुछ पढ़ाई के बेसिस का पेपर का और कुछ नॉलेज का, दोनों से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विच, सर पहला तो क्वेश्चन लगा दीजिए, पहला क्वेश्चन होगा आपके सामने कि अगर आप क्रीम को निकाल दोगे तो दूध का घनत्व क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रीम को निकालने पर क्या फर्क पड़ेगा, सर मुझे कमेंट दिखाइए,
बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा बच्चे? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ले लो इसी में, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। कभी जिंदगी में जिसने एसपी डीएफ नहीं सीखे हो, कल सीख लेना। बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक की तो नहीं कहता, ट्वेल्थ तक भी नहीं, टेंथ तक अच्छी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करा रहा हूं तो बाबू समय तो लगेगा ही ना, ये भी आप जानते हैं। हंसी खुशी सब चली गई चेहरे से, पर तुम ना मान रहे नहीं यार। इंक्रीज होगी, पता है ना आपको क्या करेगी इंक्रीज? 0.9 होती है क्रीम की, और टोटल क्रीम के साथ होती है इतनी दूध की, फिर कितनी हो जाती है इतनी, इंक्रीज करेगी। इसका रीजन भी मैं बताया था, ए बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब सब थोड़ा तेज चलेंगे तो मैं बताऊं, रात सुबह 5 से 8 सोया हूं, पूरी रात बैठ के सोचा क्या पढ़ाऊं कैसे पढ़ाऊं। मेरी एक आदत है बाबू कि मुझे बेसिक चीजें आती हूं, मुझ पे सब आता है, पर मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा तो दोबारा ही पढ़ूंगा अच्छे से, फिर तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो समय लग जाता है बहुत ज्यादा। फिर क्वेश्चन लिखो, कल तो मैंने टाइप किए क्वेश्चन तो और भी समय लगा, उठाता नहीं हूं मैं कभी भी क्वेश्चन इधर उधर से, कोशिश करता हूं तुम्हें दूं कुछ भी तरह से बना के। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इनमें सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डज नॉट पजेस एनी न्यूट्रॉन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है उसके पास, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, फटाफट बताइए। ए प्रोटियम, बच्चा प्रोटियम में कहां न्यूट्रॉन है? प्रोटियम का फॉर्मूला आपको बताया था 1H1, एक प्रोटॉन है और यहां भी कितना है, एक ही है, और ये नंबर ऑफ, ये क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो अगर प्रोटॉन एक है तो न्यूट्रॉन क्या होगा, जीरो। जो प्रोटियम होता है हाइड्रोजन का पहली आइसोटोप जिसे हम प्रोटियम कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 1, न्यूट्रॉन 0 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बहुत अच्छे, शाबाश। अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसे हटाना मत सर जल्दी। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन के एक एटम का मास निकालना है, फटाफट निकाल के बताओ। चलो इस क्वेश्चन को मैं करोगे या होमवर्क लोगे, फटाफट बताओ मुझे। बहुत अच्छे, इसमें तुम गड़बड़ करोगे मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बताओ, मुझे पता है इसमें तुम गड़बड़ करोगे। राहुल कुमार रॉय, शाबाश बच्चे। बहुत अच्छे, इधर हैंग कर रहा है यार। मैं काट दूं यहां से, एक सेकंड बच्चा। देखो लाइक नहीं किया है, कितनी अजीब बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, वेरी गुड। तो अब देखो क्या हुआ, गलत कर रहे हो आप लोग, समझो क्वेश्चन को। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात की जा रही है, सर मत लगाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा बाबू? आपको पता है एक मोल में, एक मोल में कितना होता है, 6.022 × 10³ ग्राम कह लो या एटम कह लो, ऑक्सीजन या किसी भी चीज के एक मोल में कितना होता है, 6.022, इतने एटम, इतने एटम होते हैं ना, इतने परमाणु होते हैं एक मोल में, होते नहीं होते अपने आप बताओ। किसी भी चीज के मोल में क्या होते हैं, एक मोल में इतने होते हैं। एक मोल में वजन कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 ग्राम। एक मोल में ऑक्सीजन में वजन कितना होता है, 16 ग्राम। जैसे कार्बन के एक में कितना होता है, 12 ग्राम। नाइट्रोजन के एक में कितना होता है, 14 ग्राम। इसी तरह ऑक्सीजन के एक मोल में कितना वजन होता है, 16 ग्राम। तो आप समझिएगा भैया, 6.022 × 10³ एटम, परमाणु का वजन कितना, 16 ग्राम। तो एक का कितना होगा, कम, अर्थात इधर आके क्या करेगा,
डिवाइड करेगा। ये दिमाग ने लगाया छोटा सा, अब ये पॉइंट हटा के ऊपर काटोगे इसे तो ये जो सी ऑप्शन है ना आपका 2.65 into 10 की पावर -23 इतना ग्राम वजन होगा एक एटम में, एक परमाणु में। बच्चा एक मोल में होते हैं इतने एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम, होते नहीं होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के लिए एक मोल में कितना वजन होता है, तो मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने एटम होंगे, तो एक में वजन कितना हो जाएगा? जब इतने सारे मिलके 16 ग्राम बना रहे हैं तो एक तो जाहिर सी बात है कम बनाएगा, तो 2.65 into 10 की पावर -23 आया हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, सी आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर हो जाएगा? सी। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबू फिर से समझ लो, मान लो आपसे कह रखा होता कि एक कार्बन के एक एटम में निकालो वजन, तो आप जानते हो 12 ग्राम जो कार्बन होता है उसमें कितने होते हैं? भाई कार्बन के लिए वन मोल कितना होता है? 12। नाइट्रोजन के लिए वन मोल कितना होता है? 14। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? 16। तो 6.02 into 10 की पावर 23 एक के लिए निकालते तो क्या हो जाता? 12/6.022। यहां पे क्यों 12 किया? क्योंकि कार्बन का मोल 12 था, एक मोल में 12 ग्राम, ऑक्सीजन के कितने होते हैं एक में? 16 ग्राम, तो 16 को डिवाइड करोगे ना इतने सारे मिलके, जब 6.022 बना रहे थे तो एक तो कम बनाएगा, एक एटम की पूछी थी, एक मोल में आपको पता है वन एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि किसी भी चीज के अंदर वन मोल में कितने एटम है, इतने होते हैं, एक इतने नंबर ऑफ एटम करोड़ों, आपसे एक में पूछा था, यहीं पे गड़बड़ कर जाते हो आप लोग। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर क्या होती है? आइसोटोप। याद है ना आपको, सेम एटॉमिक नंबर से ऐसा समझ जाना, सिर्फ दिमाग में ये वाला आना चाहिए कि अच्छा मास नंबर अलग अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है, क्या होगी? आइसोटोप, समस्थानिक। याद रखना जो आइसोटोप होती है ये पीरियोडिक टेबल में एक ही प्लेस पे होती है, इसीलिए इनका नाम क्या दे दिया? सम स्थानिक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते ना तू युद्ध कर, माना हालात प्रतिकूल हैं, रास्तों पर बिछे शूल हैं, रिश्तों पर जम गई धूल है, पर तू खुद अपना अवरोध ने बन, तू खुद अपना अवरोध, खुद को मत रोक, खुद से तू उठ, खुद अपनी राह बना, माना सूरज अंधेरे में खो गया है, पर रात अभी हुई नहीं, यह तो प्रभात की बेला है, तेरे संग है उम्मीदें, किसने कहा तू अकेला है, तू खुद अपना विधान बन, तू खुद अपना विधान बन, तो युद्ध कर मत हार मान जरा भी, ये अभी पूरी बताऊंगा, कहीं तुम अभी लड़ने लगो मास्टर कहां खो गया यहां। नेक्स्ट है करेक्टली मैच, अभी बताया था मैंने आपको क्लोरोफिल कैसा रंग देता है, कैरोटीन कैसा रंग देता है, जैंथोफिल कैसे रंग देते हैं, उसी से क्वेश्चन दे दिया मैंने एक, बेटा जो बताता हूं क्वेश्चन वहीं से देता हूं, बिल्कुल सही, तो क्या हो जाएगा इसका? डी, सभी करेक्ट है, कैरोटीन नारंगी, जैंथोफिल येलो, क्लोरोफिल ग्रीन, बिल्कुल सही, ऑल आर करेक्टली मैच, डी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं चाय के घूंट भर लूं, जी निकल गया मेरा आज, शाबाश। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसको मैं कल दोबारा दे दूंगा क्वेश्चन को। डैश इज द क्वांटम नंबर डेट डिस्क्राइब द सबशेल
और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस समय एक नंबर होता है उसके साथ जो क्या करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम बताता है, उपकक्षा या कोणीय संवेग को दर्शाता है। ये होता है बच्चा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है, देखो मैग्नेट, तो मैग्नेट को दर्शाएगा चुंबकीय क्षेत्र को। जो चक्रण होता है स्पिन, प्लस वन बाय टू माइनस वन बाय टू, ये होती है क्वांटम संख्या। किससे दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं एम से, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिगंशी। इसे कल समझाऊंगा अच्छे से, इसका आंसर अभी ए कर लो, समझो मत अभी से, मैं कल समझाऊंगा इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे मैं कल समझाऊंगा आपको, परेशान मत हो। ये मैं सोचा था आज उसे करवा दूंगा लेकिन मैं करवा नहीं पाया। इसे एल से दिखाते हैं, एल किससे दिखाते हैं, एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर को, एन एल एम और स्पिन एस से, ये चार होते हैं सबके साथ, इन्हें मैं कल समझाऊंगा आपको। ये क्वेश्चन करवाओ आप, इस क्वेश्चन का मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको क्लास में, अब आप करोगे खुद से। कोबाल्ट का आइसोटोप होता है ना, कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप होती है उसकी। ठीक है, जल्दी बताओ। एएलपी ग्रुप डी वाले तुम बनोगे और पढ़ना बस की है नहीं ज्यादा देर, भाग्य देखो कितने, और ये सब है, इन सबको चाहिए नौकरी, मेहनत नहीं देखते कि नौकरी के पीछे, इतने गड्ढे जिस दिन जिसकी आंखों में पड़ गए ना, मेरी में तो पड़ेंगे पड़ेंगे, जिस दिन तुम्हारी आंखों में इतने गड्ढे पड़ जाएं, समझ लेना उस दिन तुम एएलपी के लिए तैयार हो बिल्कुल एकदम, या ग्रुप डी के लिए या किसी भी सीजीएल सीपीओ के लिए। अब निकालो इसका आंसर, ये मैं बताया था आपको। और कुछ प्राणी है ध्यान नहीं दे रहे, क्लास में आने से लेकर एंड तक मैं उन पर पूरा ध्यान दे रहा हूं, वो ध्यान नहीं दे रहे। बेटा नौकरी नहीं मिली कुछ नहीं होगा, जिन कर्मों के पीछे तुम चल रहे हो ना कुछ नहीं होने वाला वहां, इसलिए कह रहा हूं पढ़ाई पर ध्यान दे लो। देखो एक कंपाउंड है X2O3, कितने एटम है इसके, दो। मान लो एक का मॉलिक्यूलर मास कितना है, एक का मोलर मास कितना है m, तो बेटा दो का कितना हो जाएगा, दो एटम का 2 into m 2m हो जाएगा, क्लियर है। ऑक्सीजन का कितना है 3, एक में कितने होते हैं 16, तो टोटल में कितने हो जाएंगे 48, तो टोटल X2O3 का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2m plus 48। बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो, मैंने x का मोलर मास कितना मान लिया m, तो 2x का कितना हो गया 2 into m, क्योंकि यहां पे दो एटम है ना, ऑक्सीजन कितनी है 3, एक का होता है 16, तो 3 का हो गया 48, 2m plus 48, क्लियर सी बात। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी दे रखी है, 30% दे रखी होगी या 25, 31.58, कितनी दे रखी है 31.58%। चलो आपको एक फॉर्मूला बताया था, मास परसेंटेज द्रव्यमान का प्रतिशत अपॉन ऑक्सीजन का मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास गुणा 100, ये फॉर्मूला क्लास में लिखवाया था हिंदी में भी। ऑक्सीजन कितनी है 16 3 48, टोटल कितना है 2m plus 48, कितनी परसेंटेज है 31.58 गुणा 100, पॉइंट हटाया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 2m plus 48 इक्वल टू 4800 बटे 3158। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो इसका जो आंसर आएगा ना आपके पास वो आएगा सी, जब इसको सॉल्व करोगे ना सी आएगा 52.00 करके कुछ ग्राम पर मोल। ये क्या जाएगा इसका एक्स की वैल्यू, एक्स का एटॉमिक मास, इसको निकाल के देखना एक बार, सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, सी आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसका पूछा हो उसका एम मान लो,
टोटल निकाल लो। वहां पे मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, CH4 हाइड्रोजन का दिया हुआ था, तीन है तो 16 3 48 टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, ये 100 उधर चला जाएगा ना, 100 और हो जाएगा इसमें, तब इसका पूरा गुणा भाग करना कितना बनेगा, ये 100 भी चला गया ना उधर, तब इसका पूरा निकालना कितना बनेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सी होगा, बिल्कुल सही। ये मैंने रात को भी कराया था एनडीए वाली क्लास में सर, ये आ गया ना समझ में, ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ बेटा, फिर 3158 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा लगभग 100 के लगभग, 100 में से आप 48 को कुछ माइनस करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो इनमें से एक वैल्यू आएगी, इसको करके बता देना, 51.99 आएगा समथिंग, तो वो 52 हो जाएगा। क्लियर है सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइपिंग वाले हैं, जो मैंने टाइपिंग से किए हैं। और ये बेटा आएंगे सब, तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेंगे इस साल ही एग्जाम में, परेशान मत हो। ओ, ये तो मैंने हिंदी में कर दिया, ये तो मैंने वही क्वेश्चन दे दिया पहले वाला, ये नेक्स्ट लगाओ सर, ये मैंने करा दिया अभी, ए वाला इसका वो मैंने वही रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं, अगला रिपीट नहीं है, अगला क्वेश्चन रिपीट नहीं है, इसका ए हो गया। क्रीम को दूध में से निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बायोलॉजी चलेगी जब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी आराम से, फिर आराम से बायोलॉजी चलेगी, लंबी चलेगी, अच्छे से चलेगी। फिजिक्स का रिवीजन करते रहो, पीछे से पढ़ते रहो नोट्स को। क्या हुआ, कोई बात नहीं, तीसरा लग गया तो क्या दिक्कत होगी, दूसरा लगाओ, शाबाश। सी वॉटर, सर सेकंड क्वेश्चन लगाइए प्लीज, दिख नहीं रहा ना। हाँ, क्रोमेटोग्राफी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, आइडेंटिफाइंग कलर सब्सटेंसेस, पदार्थों की संरचना स्ट्रक्चर में, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या सेपरेटिंग द सब्सटेंस फ्रॉम अ मिक्सचर। क्या होता है इसका आंसर, क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक होती है, क्या किया जाता है, मिक्सचर में से अलग किए जाते हैं या उनकी पहचान की जाती है। दिमाग लगा के आंसर दो, मैंने कहां पढ़ाया ये, बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही गलत। मिक्सचर से प्रो, बेटा मैंने मिक्सचर में पढ़ाया ये क्रोमेटोग्राफी, मिक्सचर में से आप जब कई कलर की चीजें होती हैं, इन्हें आप अलग अलग करते हो, जब मिक्सचर ही नहीं होगा तो आप पहचान कैसे करोगे, मिक्सचर में से अलग करो, मिक्सचर में से मिश्रण में से अलग करने के लिए, ये मैंने आपको मिश्रण में पढ़ाया है, जहां मैंने डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, कंडेंसेशन, क्रिस्टलाइजेशन और क्रोमेटोग्राफी पढ़ाई थी, ये टॉपिक मैंने कहीं अलग नहीं पढ़ाया है, मिक्सचर में पढ़ाया है आपको। डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करेंगे, कलर को अलग करने के लिए मिक्सचर में से। तुम 1400 वक्त के साथ खेल रहे हो, याद रखना, वक्त के साथ, मैं पहले बता चुका हूं, लाखों आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आए थे, पर तनिक भी ने तुम्हारे कदम लड़खड़ाए थे, पर तनिक भी ने तुम्हारे कदम लड़खड़ाए थे, जो मिली है आज तुम्हें लाखों बधाइयां, ये उसी का परिणाम है जब तुम दिन दिन रात रात भर वक्त से टकराए थे, याद है सीडीएस वाले, पूरी पूरी रात टकराए थे बच्चे वो, और आज तुम सब उन्हें बधाई दे रहे थे उस दिन, तो बधाई बिना टकराए मिलेंगी नहीं, लड़ना पड़ेगा वक्त से, 2 घंटे 20 घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अगर 14 घंटे पढ़ते हो ना, तो तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं 16 घंटे पढ़ता हूं, तुम्हारे सामने 3-3 घंटे की नींद लेके डेली खड़ा रहता हूं, उसी ऊर्जा उसी, तो तुम कैसे नहीं पढ़ सकते, तुमसे आधा शरीर है, तुम्हें मैं
60-70 किसी में कम नहीं होगा, मुझ में 58 किलो 59 किलो रह गया है। सी वॉटर कौन से होता है? बिल्कुल सही, डिस्टिलेशन। किससे होता है? डिस्टिलेशन, क्योंकि डिस्टिलेशन में दोनों चीज आ जाती हैं, इसमें वेपर भी आ जाते हैं वेपराइजेशन, और इसमें कंडेंसेशन मतलब संघनन भी आ जाता है, और इसमें वाष्पीकरण भी आ जाता है, इसलिए किसमें से होता है? डिस्टिलेशन, आसवन विधि से। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिर्फ वाष्पन की बात नहीं होगी, मैंने हालांकि तुम्हें थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया था लेकिन उसको मानना मत, डिस्टिलेशन करना है इसको। पहले पानी क्या होगा, आप उसे भाप दोगे और फिर उसे इकट्ठा भी तो करोगे, तभी तो आपको पानी मिलेगा। बिल्कुल सही। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आइटम इन फ्लोरोसेंस? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना इस क्वेश्चन में। फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति नाली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? प्रतिदीप्ति नली कौन सी सबसे ज्यादा, और इसमें दो दो के ग्रुप बना रखे हैं, आपको इनमें से एक बेस्ट ग्रुप, जो किसी भी नली में भरी जाती है, जो गैस किसी भी नली में भरी जाती है फ्लोरोसेंस के लिए कौन सी होती है? सोडियम ऑक्साइड और ऑर्गन, आर्गन होना चाहिए था ये, सोडियम वेपर एंड नियोन, मर्करी वेपर एंड आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड नियोन, क्या होना चाहिए इसका आंसर? बिल्कुल सही, मर्करी, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन, ये काफी भरी जाती हैं, ये दोनों काफी भरी जाती हैं प्रतिदीप्ति ट्यूब में, याद है ना, फ्लोरोसेंस ट्यूब CFL में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, याद रखना, उसमें वेपर चल जाता लेकिन इन्होंने वेपर के साथ क्या दे दी? नियोन दे दी, नियोन नहीं भरी होती है, क्या भरी होती है? आर्गन कभी कभी, तो 4 का हो जाएगा सी। एक दिन पता तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह में मच्छर चला गया अब मैं फंस गया, मच्छर चला गया मुंह में, अब उसे उगलू तो तुम्हें प्रॉब्लम, नहीं उगलू तो मैं पानी से उसे ले गया, आज मैंने जाने से पहले उसे मार दिया, तो अलग अलग चीजें हो जाती है पढ़ाते हुए। बेटा मैंने मरकरी वेपर भी बताया है, मरकरी वेपर भी ठीक है लेकिन मरकरी वेपर के साथ यहां पे आपको आर्गन दे दिया, वो नियोन दे दिया गया, नियोन गलत हो जाएगा, आर्गन नॉन रिएक्टिव गैस है, नियोन भी नॉन रिएक्टिव गैस है लेकिन वो ग्रीन रंग का प्रकाश देती है। व्हाट इज द बेस्ट, हु हो गया इसमें, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे ज्यादा हीट इनमें से कौन अच्छा कंडक्ट करता है हीट? इसी से क्वेश्चन निकला है जो अभी क्वेश्चन दिया है आपको, इन सब में सबसे अच्छी हीट कौन सा कंडक्ट करता है? रे भाई इसमें करता है मरकरी, तभी तो मरकरी को किससे किया जाता है, मरकरी थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, तभी मरकरी हीट को कंडक्ट करता है, ऊष्मा देता है CFL में, मरकरी थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, सबसे अच्छा इसमें करता है मरकरी, ए वाला पारा सबसे अच्छी हीट, तभी तो थर्मामीटर छोटा सा बुखार भी बता देता है कितना बुखार है, किस लिए बताता है? सबसे अच्छी हीट कंडक्ट करता है, थोड़ी सी बुद्धि नहीं लगाओगे? 5 का ये क्वेश्चन नंबर 6, ये सब आए हुए क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये जो आज का टॉपिक पढ़ाया है इसमें से। बिल्कुल सही, लाइक वाइक कर दिया करो यार, तुमने हद कर रखी है बाल को। अरे यार इसमें कहा है ड्राई स्नो सॉलिड, मतलब इसमें शुष्क बर्फ की बात की जा रही है, स्नो माने बर्फ, ड्राई आइस के बारे में पूछ रहा है, ड्राई आइस शुष्क बर्फ, तो ड्राई स्नो लिख दी है, ड्राई स्नो या ड्राई आइस, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम सबने कई बार पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तीन न्यूमेरिकल हमने पहले भी किए थे मोल बोल निकालने वाले क्लास के शुरुआत में, आधा घंटा वहीं लग गया था इसलिए ज्यादा लंबी हो गई। रोना मत, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता व्यूज ज्यादा नहीं जाते तो कि लंबी है, पर मुझे क्या है कि तुम लोग पढ़ लो जितने हो, मन से मेहनत कर रहे हो। आयोडीन, आयोडीन को आपको पोटेशियम क्लोराइड से निकालना है, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है, इसका आंसर सही आना चाहिए। पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, और इसका सी ऑप्शन है ना, ये सब्लिमेशन कर लो इसको, सी ऑप्शन में जो ये कह रखा है ना, इसको क्या कह रखा है इसको इंग्लिश में, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम नहीं है वो, क्या है, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, उधर्वपातन। अब बताओ उधर्वपातन क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बच्चे सी। आपको पता है मैंने ये लिखा था सोडियम क्लोराइड, वो सॉरी पोटेशियम क्लोराइड जिसे नौसादर बोलते हैं, NH4Cl, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है कि ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है, तो आयोडीन और इसके मिक्सचर को जब आप गर्म करोगे तो ये डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में, तो कौन सा प्रोसेस लगाओगे, सब्लिमेशन, उधर्वपातन। ध्यान नहीं देते, ध्यान तो कहीं और होता है, तो आंसर कैसे सही करोगे, जबकि मैं बोर्ड पे जो लिखता हूं वो वही लिखता हूं जो आ रहा होता है, तुम पागल समझते हो, पर मैं लिखता वही हूं। तो NH4Cl जो है ये वाला, ये डायरेक्ट गैस बन जाता है, सबलाइम हो जाता है, उधर्वपातन, ऑप्शन नंबर सी, सोचोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर, कपूर होती है, कपूर को भी किससे सही करोगे, इसमें भी वही गड़बड़ कर दी इन्होंने, सब्लिमेशन, उधर्वपातन के साथ जो अपस्ट्रीम लिखा हुआ है उसके साथ क्या कर दो, सब्लिमेशन। तो आपको पता है कपूर की जो गोली होती है वो भी गर्म करोगे इंप्योर को तो वो गैस बन जाएगी, सबलाइम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। हां तो कहता रहा हूं अमोनियम क्लोराइड, तो मैंने क्या लिखा है, अरे यार वो पोटेशियम क्लोराइड कर दी मैंने, अच्छा अच्छा वो जो पोटेशियम क्लोराइड है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, पोटेशियम क्लोराइड है ना, इस पोटेशियम की जगह अमोनियम कर लो बच्चा उसे, मैं अमोनियम कह रहा था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसे अमोनियम क्लोराइड कर लो, वो मैं लिख कुछ और रहा दिमाग नहीं, वो तो KCl अलग हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड नहीं, उसे अमोनियम क्लोराइड कर लो, वहां जो ऑप्शन है वहां अमोनियम क्लोराइड कर लो NH4Cl। चलो कोई बात नहीं, चूज विच इज नॉट अ मिक्सचर, कौन सा इसमें से मिक्सचर नहीं है, विंड, LPG, डिस्टिल वाटर, कौन सा मिक्सचर नहीं है, बिल्कुल सही, नौका डी, क्योंकि वो कंपाउंड है, वो क्या है, यौगिक है, क्या है, यौगिक, जबकि LPG में ब्यूटेन, प्रोपेन होती हैं, विंड में तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती हैं, और गैसोलीन भी मिक्सचर होता है कई सारी चीजों का, तो डिस्टिल वाटर क्या है, कंपाउंड है, यौगिक। क्वेश्चन नंबर 10, आज बहुत सारी बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई, अब आराम से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा अब के बाद में आगे। हाँ बेटा वो कंफ्यूजन में, उसको तुम सही मान लेना मेरी तरफ से, वो कभी कभी आयोग जो होते हैं ना जो भर्ती कराते हैं उनसे गलती हो जाती है, तो गलत पे सबको आंसर दे देते हैं, तो ये आयोग की गलती है, सबको आंसर मिलेगा इसका, सबको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वॉटर इज सेपरेटेड फ्रॉम एल्कोहोलिक बीवरेज, एल्कोहोलिक बीवरेजेस जो होती हैं इनसे पानी को कैसे अलग करोगे, इसका बताओ, एल्कोहोलिक बीवरेजेस जो होती हैं इनसे पानी को कैसे गर्म करोगे, बताओ इसका आंसर।
बहुत सही। बहुत अच्छे। ये मैंने आपको नहीं बताया, आप बताओगे दिमाग लगा के, क्योंकि इसका बहुत सिंपल सा है बेटा। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन आसवन क्या होता है? जो एल्कोहल होती है, जो एल्कोहल होती है इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है? लो। ये जल्दी से क्या बन जाती है? वेपर। वेपर बन के बाहर आ जाएगी, पानी नीचे रह जाएगा। इसको गर्म करोगे, डिस्टिलेशन आसवन, ऑप्शन नंबर सी। यहां कंडेंस करके एल्कोहल अलग, पानी अलग, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़ी देर की बात है, 5 मिनट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे। ऐसे कुछ नहीं होता, पानी ऊपर रहेगा, एल्कोहल में पानी मिल जाता है, शराब में पानी पूरी तरीके से मिल जाता है, बहुत अच्छे सॉल्यूशन बनता है, ट्रू सॉल्यूशन। निस्तारण मुझे भी नहीं पता सेल्वेज माने क्या होता है, ये एक्चुअल में ऐसे ही कुछ दे दिया होगा, बता दूंगा कल इसको। माइका क्या है? माइका, माइका क्या है? इसके बारे में मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था माइका। तो माइका क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी का जो माइका होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का तो कुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है? कुचालक, बैड कंडक्टर, कुचालक, बैड कंडक्टर। और ऊष्मा हीट का क्या होता है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। हीट को कंडक्ट करता है ऊष्मा को, और इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। ए वाले में ए वाला हो जाएगा इसका, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर लिख रखा है, वो दिख नहीं रहा, थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, वहां पे बैड कंडक्टर है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, वो बैड कंडक्टर है वहां पे। ऑप्शन नंबर ए में हीट कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर, या इंसुलेटर भी कह सकते हो, बैड कंडक्टर नहीं बिल्कुल इंसुलेटर ही है, ऑप्शन नंबर ए। ए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर पेट्रोल की आग को नहीं बुझाता, क्योंकि क्या होता है? पेट्रोल और गैसोलीन जो होते हैं, पानी जो होता है, ये मिलते नहीं है, पेट्रोल ऊपर आ जाता है जिससे वो जलने लगता है। आपको पता है, अभी बताया था, ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। पानी नीचे रह जाता है, तेल ऊपर, और आग लगती रहती है। तेल की आग बुझाने के लिए रेत वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाले आग नियंत्रण फायर एक्सटिंग्विशर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म हो गए सारे? पक्का अपने मन से तो नहीं कह रहा? शाबाश, ठीक है बच्चे। तो इसी के साथ सारे आए हुए क्वेश्चन अभी तक के जितने इन चैप्टर से आए हैं वो हमने कर लिए, बहुत सारे फॉर्मूले भी। आज कल की 1 घंटे की, 1.5 घंटे की क्लास, आज की 2.5 घंटे की क्लास, टोटल हो गई 4 घंटे की क्लास, पूरी बेसिक केमिस्ट्री हो गई। कल के मैंने टॉपिक आपको बीच में बता दिए, ठीक है, एसिड बेस वगैरह थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ओर्स थी, कांच था, इन सबको पढ़ के आना, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और लंबी नहीं करेंगे। हाँ तो साथियों क्या हुआ था, लाइट चली गई थी एंड टाइम पे, पर कोई बात नहीं, लाइट वापस आ चुकी है। तो बस मैं तुम्हें टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, अच्छी क्लास थी, बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो गई है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरा भी मत भूलना, नहीं करोगे तो आपको लगेगा पाप, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी।
ऐसे ही आगे करते रहेंगे। आप क्या करना, रिवाइज करना, फिजिक्स को केमिस्ट्री को रिवाइज करना मत भूलना। सब्सक्राइब और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और कल हम अपने जो टॉपिक मैंने होमवर्क के बताए हैं उनके साथ कल मिलते हैं। क्लियर है, एकदम डन। और आप लोग अभी भी बने रहे हो इतने दिल से, सैल्यूट। और याद रखना, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए देखो आज मैंने होमवर्क भी पहले दे दिया था आपको, पता नहीं भगवान ने कही हो लाइट चली जाए, पूरा पढ़ा दिया तब लाइट गई। तो डन, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, धन्यवाद।